गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार ये बताओ ना, सबके ऐप में अकाउंट्स का कोर्स दिख रहा है ना? पक्का दिख रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोर्स नहीं दिख रहा अकाउंट्स का, वो बताना सो दैट आप लोगों को कोर्स मिल जाए। ऑनलाइन मतलब ये बैकअप वाला कोर्स आप अपना एक्टिवेट करवा के रखें, कभी भी कोई दिन क्लास नहीं कर पाए तो आपके लिए घर पे भी कर सकते हो लाइव ऑनलाइन, और फिर बैकअप भी कर सकते हैं। डन। ऑनलाइन में वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? एक बार फटाफट बताओ तो। आगे कर लीजिए दीदी, और बस। लास्ट क्लास हम लोग एडवांस अकाउंट्स के पेपर का और सीए इंटर का एक बेसिक ओरिएंटेशन समझे, बेसिक स्ट्रक्चर समझे, एंड हमने ये समझा कि इंटर लेवल पे अब अपने को प्रिपरेशन अपना शुरू कर देना चाहिए। अभी तक आप लोगों का अकाउंट्स का तो एक ओरिएंटेशन हो गया, कॉस्ट की क्लास हुई, दो क्लास हो गई, और लॉ की भी दो क्लास हो गई, एक क्लास हुई, ठीक है। टैक्स आज नहीं स्टार्ट करके, आज टैक्स का थोड़ी नोटिफिकेशन आया, कल से टैक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, लॉ, ये चार सब्जेक्ट प्रिपरेशन चालू कर देने का है। डन। लास्ट क्लास में ओरिएंटेशन लेने के बाद मैंने आपको बोला था बेसिक्स के बारे में। कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज किया, सर बेसिक्स करें या नहीं करें? मैं वापस बोलूँगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आपने फाउंडेशन में सच में अच्छे से पढ़ रखा है, बेसिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लगता है नहीं सर फाउंडेशन में थोड़ा ढिलाई छोड़े थे, नहीं पढ़े थे अच्छे से, या फिर आप एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि थोड़ा पढ़ाई में कनेक्शन बनाने के लिए बेसिक ज़रूरी है, वो प्लीज़ बेसिक्स करे। अदरवाइज मैं ये बोलूँगा कि बेसिक्स एज सच पूरा का पूरा एक एक पूरा देखने का दरकार नहीं है। ये भी कर सकते हो कि आपने बेसिक्स की क्लासेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को एसेट के बारे में समझना है, किसी को लाइबिलिटी, किसी को कैपिटल, तो आप अकॉर्डिंगली उस क्लास में जाके उतना उतना पोर्शन अपना देख लीजिए। आपको पूरा पूरा देखने का दरकार नहीं है। इट इज़ ओनली बिकॉज फाउंडेशन लेवल पे अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो इंटर की शुरुआत की जा सकती है। हमारे इंटर का जो बेसिक्स चालू होता है ना, वो यहाँ से चालू होता है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कल जब मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो मैंने बोला हमारे सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट किस चीज़ पर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। और हम लोग ना सबसे पहले थोड़ा सा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पार्ट से चालू करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पार्ट से चालू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाउंडेशन की पढ़ी हुई कुछ बातें इंटर लेवल पर है, तो मैं चाहता हूँ वो कनेक्शन करके अपने अपना पढ़ाई चालू करें। इनिशियली दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे, फिर एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट कर लेंगे, फिर दो तीन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे, देन वील गो टू अ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इस तरीके से थोड़ा बैलेंस करके पढ़ेंगे सो दैट हम लोग दोनों चीज सीख सके साथ साथ। डन है बात। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे एज सच नहीं था, थोड़ा सा थ्योरिटिकल पोर्शन था, हम लोगों को इसको एकदम बेसिक से डिस्कस करना पड़ेगा। दो क्लास, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास, मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है ये समझाने और सिखाने में आपको लगेगा। स्टार्ट करें, शुरू करें, स्टार्ट। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्ड जो है, अगर सिर्फ इस वर्ड्स को समझने की कोशिश करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड वर्ड सुना है? भाई मेरा ये स्टैंडर्ड है, भाई मेरा ये स्टैंडर्ड है, या फिर भैया ये तो स्टैंडर्ड रूल है, ये तो स्टैंडर्ड साइज है, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है कोई चीज को करने का। एक स्टैंडर्ड वर्ड हमने सुना है कभी लाइफ में? स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग को करने के लिए भी ना कुछ रूल्स, कुछ प्रेस्क्राइब्ड प्रिंसिपल्स, कुछ अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ रूल्स प्रिंसिपल वगैरह नहीं बनाए जाएंगे तो हर एंटिटी अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन किए हुए को अकाउंट फॉर करेगी। अगर हर एंटिटी अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगी तो जब वो अपना फाइनल अकाउंट्स बना के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करेगी तो उस सब में अलग अलग बात सेम चीज के बारे में बोला जाएगा। अगर मान लो मैं भी एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मेरी कॉम्पिटिटर एंट्री भी एक ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन कर रही है, बट मैं अपने तरीके से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो अपने तरीके से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है, तो एक ही ट्रांजैक्शन का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स पर इफेक्ट दिखेगा तो आपको अलग अलग इफेक्ट दिखाई देगा, हां या ना? आंसर इज यस।
अगर ये नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, सर ये एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी सेम प्रिंसिपल पर बने और कंपेरेबल हो सके. क्या हो सके? कंपेरेबल. हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज का क्यों देखते हैं? सर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ हमको धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस कंपनी में हमको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगा हुआ पैसा है तो वो पैसा रखना चाहिए या पैसा उठा लेना चाहिए. ये डिसीजंस लेने के लिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए लेना है तो मैं क्या करता हूं ना, मैं सिर्फ एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, मान लो मेरे को लगता है आज के दिन इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विल बी अ गुड सेक्टर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मान लो 10 कंपनी है, 50 कंपनी है, 100 कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो मेरे को तो एक बार कंपैरिजन करना होगा ना किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है और किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है. तो मैं क्या करता हूं, हर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बंद करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाता हूं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के कंपेयर करके अपने ये डिसीजन लेता हूं. अगर हर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरीके रूल से बना हुआ रहेगा तो क्या ये कंपैरिजन पॉसिबल होगा? और अगर ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा तो क्या आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे? नहीं. तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी नेसेसरी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी स्टैंडर्डाइज किया जाए. स्टैंडर्डाइज करना मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी सेम किया जाए हर एंटिटी के लिए, सो दैट हर एंटिटी अलग अलग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट ना करे. और इसी के लिए जो रूल्स या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लाए गए अकाउंटिंग करने के लिए उनको हम लोग नाम दे दिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं अगर शॉर्ट में डिफाइन करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन टू वेरियस अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स. अकाउंटिंग करते समय बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को इनकाउंटर होते हैं, उन प्रॉब्लम्स उन क्वेश्चन का एक स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन बनाया गया सो दैट हर एंटिटी उस स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन को पढ़ के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करे, एंड दो स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशंस आर नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हम लोग जब भी बचपन में याद करना एक चीज पढ़ाया था, याद आएगा तुमको, हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, आप लोग बचपन में फाइनल अकाउंट्स बोलते थे, इंटर लेवल से अब हम लोग इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी कोई एंटिटी बनाकर स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन सही है. कंपनी कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट करेगी ना, हम लोगों का सिर्फ एक ही कंपनी से चाहत होता है. पता है क्या चाहत है कंपनी से, कि कंपनी क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ध्यान रखे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बता रहा है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. अब ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या नहीं, इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बचपन में थ्योरी वाले टॉपिक में आपको सिखाया है, अगर आप सुनोगे तो आपको याद आ जाएगा वापस. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कंपेरेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, ऐसा वर्ड सुना था हमने चार, और अंडरस्टैंडेबिलिटी. रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी थ्योरी है, भूल जल्दी जाते हो, कोई बात नहीं है, वापस सीख लो. चार क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर होगी तो हम बोल पाएंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है. और ये चार कैरेक्टरिस्टिक बोला गया, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. रेलिवेंस एकदम सिंपल बात बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाएं और प्रेजेंट करें सारी रेलिवेंट एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन उसमें कवर हो जानी चाहिए. कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे आपको लगता है स्टेक होल्डर के डिसीजन पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से छूटनी नहीं चाहिए. तो रेलिवेंस बोला आपको फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर करना है जो भी एंटिटी में हुआ, कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको दबा के या छुपा के नहीं रखनी. रिलायबिलिटी बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होने चाहिए,
इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए, इसमें कोई एरर्स नहीं होना चाहिए, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए। जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एररलेस होंगे, फ्रॉडलेस होंगे, विंडो ड्रेस नहीं रहेंगे, तब हम बोलेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए जाए कि एक कॉमन पर्सन जिसको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के अपने इन्फरेंसेस ले सके। अगर कोई आदमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के इन्फरेंसेस नहीं ले पा रहा है तो वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई काम का नहीं है। जैसे एक इंडियन कंपनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है यूएस लॉस के हिसाब से, और सारा बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही है, बंद करना गेट, सारा बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो इंडियन सिनेरियो में जरूरी नहीं है, जो लोग जानते ही नहीं है इंडियन सिनेरियो में, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस बेस्ड रूल से बनाने से हमारे काम का होगा? नहीं सर, इट वॉन्ट बी रेलिवेंट फॉर अस, इट वॉन्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए तो वो जरूरी है जो हमारे लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाए, जो हम पढ़ के समझ सके कि एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है। एंड कंपेरेबिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके कंसिस्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज रूल से बनने चाहिए सो दैट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो सके। किससे कंपेरेबल? आपके पुराने साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेरेबल हो सके। इसको अपने बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन। आपका करेंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम आपके लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं सो दैट हम देख सके कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द करेंट ईयर। और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम आपके कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर करते हैं सो एज टू सी कि कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर तभी माना जाएगा जब उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है तो हम लोग बोलते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। अब हाउ टू इंश्योर कि आपके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो, इसके लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेट ऑफ रूल्स से बने हुए होने चाहिए, और वही सेट ऑफ रूल्स को हम इंडिया में बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नॉर्मली इसको ना जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है। जब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रूल फॉर्म में बना दिया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मतलब अ सेट ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ पॉलिसीज, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल जो सबके लिए समान है, किसी को अलग अलग फॉलो करना अलाउड नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करे सो दैट हम सही डिसीजन ले सके, हमको इंश्योर करना होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बेसिस पर बनाए जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाए जाए। जब आप सीए बनोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस आप जानते हो ना सीए प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ऑडिट करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करके उस पर रिपोर्ट देते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है या नहीं। जब आप रिपोर्ट देते हो ना वहां पे आपको बताना पड़ता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं या नहीं। अगर वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं तो प्राइम ऑफ एसी बोला जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, आपने अपने तरीके से सब काम किया है, तो हम बोलते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसमें जो बातें कही गई है वो सही डिपिक्शन ऑफ पिक्चर नहीं है, जो एंटिटी में हो रहा है वो सही से बताया नहीं जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। बच्चा बोल रहे सर विंडो ड्रेसिंग किसको बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग मतलब लिपाई पुताई जिसको बोलते हैं ना, है कुछ और दिखा कुछ और रहा है ताकि सामने वाला अगर देखे तो उसको अच्छा लगे। जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो अपने बोलते हैं ना अपने विंडो शॉपिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग मतलब बाहर से वो इतना सजा के रखता है कि हम लोग देख देख के ही खुश हो जाते हैं, भाई ये वाला होता तो मजा आ जाता। वो विंडो शॉपिंग जैसा विंडो ड्रेसिंग, बाहर से तुमको इतना अच्छा दिखाएगा कि तुमको देख के लगे कि भाई इस कंपनी में बस पैसा लगा दो, बट एक्चुअल में अंदर में वैसा नहीं है। अंदर में दुकान में जाते हैं तो मना करके आ जाते हैं, नहीं ले पाएंगे कोई भी कारण से हो, दाम हो, क्वालिटी हो, सर उनका सजाने का तरीका ऐसा रहता है कि एक बार तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब सिंपल मैं बोल रहा हूँ, एक ज्वेलरी की दुकान में अगर लाइट्स भी सही से प्लेस्ड हो ना, लाइट्स, तो भी उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तुम जितना प्रॉपरली लाइट प्लेस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे ज्वेलरी चमकेगी, और जितना ज्वेलरी चमकेगा उतना लोग देख के आकर्षित होंगे और एक बार देखने आएंगे। तुम कुछ नहीं, तुमको एक बोल रहा हूँ, तुम जाना एक ब्रांड शोरूम बोल रहा हूँ, स्वरोत्स की सुनोगे, स्वरोत्स की कोई ओरिजिनल
उससे नहीं बनाता, डायमंड गोल्ड से प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, बट स्वरोस्की के तुम उसमें जाओगे ना क्या बोलते हैं शोरूम में, तो तुमको ऐसा लगेगा सब जगह डायमंड ही चमक रहा है। वो एक अलग टाइप का पत्थर यूज़ करता है, वो डायमंड नहीं है, डायमंड इज़ वैल्यूड इन लैक्स क्रोड्स, जबकि वो जो देता है वो 20,000-22,000 में तुमको हाथ का मतलब क्या बोलते हैं ब्रेसलेट भी दे देगा, जो नॉर्मली पापा मम्मी लेके आएंगे तो 5,00,000 का पड़ेगा, उसमें 20,000-25,000 में मिल जाएगा, बट तो भी जब उसका शोरूम देख लोगे ना तुम अंदर जाए बिना रुक नहीं सकते। अभी तुम बच्चे हो, तुम नहीं जाओगे, थोड़े दिन बाद तुम भी जाओगे, देखोगे कैसे कैसे जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हाँ तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग खर्चे की बात पहले से नहीं सोचते। सर अकाउंट्स अप्रोविजन बना लीजिए सर, दुख होता है छोड़ दो भैया। तो वो स्वरोस्की में जाओगे ना, वो इस तरीके से लाइटें प्लेस करके रखता है ना अपने सारे प्रोडक्ट, मतलब उसका कांच के अंदर प्रोडक्ट रहता है और कांच के नीचे से लाइट मारता है, मतलब तुमको ऐसा देख के लगेगा साला क्या आइटम दे रहा है भाई, ऐसा तो रियल डायमंड भी नहीं होता। जस्ट सी, गो एंड सी, मतलब इन छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये बड़े ब्रांड के शोरूम और करते क्या है, सजावट पे ही ध्यान देते, करोड़ों रुपया इनका खर्चा सिर्फ ओवरहेड्स का है। अब तुम ओवरहेड्स वर्ड सुने हो शायद, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब जो ओवर दी हेड जाए वो नहीं, ओवरहेड्स मतलब बनाने के खर्चे को छोड़ के जो एक्स्ट्रा खर्चे हम कर रहे हैं चीज़ों को सजाने बेचने वगैरह के लिए, इनको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। तो आप सुनोगे मॉल में कि मॉल का दुकान का भाई ओवरहेड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दाम चीज़ों को महंगा बेचना पड़ता है, नहीं तो पुसाएगा नहीं। ओवरहेड ज़्यादा है मतलब जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बहुत हाई है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी रेंट का खर्चा बहुत, सजाने के लिए जो खर्चे करने पड़ते वो बहुत हाई है, इतने हाई एक्सपेंडिचर है कि प्रोडक्ट अगर बंद 200 में भी रहा है तो उसको 2000 में बेचेंगे तो ही पुसाएगा, नहीं तो नहीं पुसाएगा, क्योंकि उनको ओवरहेड कॉस्ट कवर करने हैं। ये आप सीखोगे कॉस्टिंग में, अब ये सब वर्ड्स आप सुनोगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, बेसिक एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, रूल्स है जो अकाउंटिंग करने के लिए बनाए गए, ताकि कोई एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी मर्जी से नहीं, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पर बनाए और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो सके। इनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड इन्हीं को फॉलो करके हम लोग अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग करते हैं। मेरा सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नवनीत सर जो पढ़ा रहे वो हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के भी बहुत सारे सब फील्ड है, जिसमें सबसे प्राइमरी सब फील्ड हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हमारे ही डेटा से बाद बाकी सारे लोग चलते हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो बोलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, ये समझ में आया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये समझ में आया? अब क्या होता है ना, एक तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्ड बचपन में सुना होगा, एक वर्ड अब नया सुने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों में क्या फर्क है? जब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जो नॉर्मली एक्सेप्टेड है, जिसके बेसिस पे हम हमेशा से हम अकाउंटिंग करते आए हैं, उनको हम लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉ के फॉर्म में मतलब वो किसी लॉ से बैक्ड हो जाता है, किसी एक्ट से बैक्ड हो जाता है, कोई लॉ उसके पीछे काम करने लगता है जो बोलता है कि आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, वही लॉ बैक्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम लोग जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे पढ़ना सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप कंपनी की अकाउंटिंग करोगे। कंपनी की अकाउंटिंग बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए नहीं की जा सकती है। रीजन, कंपनी के ऊपर एक एक्ट लागू होता है, द कंपनीज एक्ट, जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ये जो कंपनीज एक्ट है इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 133, जो बोलता है कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एक लॉ के अंदर जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शब्द यूज कर दिया गया और उसके पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए गए, तो मतलब अब ये लॉ बैक्ड है, अब कोई भी चाह के इसको कॉन्ट्रावेन नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रावेन करोगे तो जो लॉ में लिखे गए पेनल्टीज है, जो लॉ में लिखे गए पनिशमेंट है, वो सारा पनिशमेंट आपके ऊपर लागू हो जाएगा। इसीलिए ये जब एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को हम लोग लॉ बैक्ड कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलने लग जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हर कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग नाम से, जैसे इंडिया में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, यूएस में वो लोग यूएस गैप बोलते हैं। यूएस गैप, यूएस का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको नाम ही दे दिया गया यूएस गैप। फिर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो उसको बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नाम अलग अलग है बट सबका उद्देश्य, सबका काम, सबका मेन जो थॉट प्रोसेस है वो सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
और हम लोगों को यही रूल्स पढ़ने हैं सो दैट हम अपनी अकाउंटिंग जो आज तक सीख के आए हैं उसको रूल से बैक करके और अच्छा कर सके और पॉलिश कर सके। जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अगर बहुत ऊपर नीचे है फेयर वैल्यू से तो उसका रीवैल्यूएशन करना है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। ये सब जो बातें लिखी गई है ये आई कहाँ से? ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आई है, ये सब इसी प्रिंसिपल से निकल के आपको पढ़ाया गया बचपन में। बट जब बचपन में पढ़ाया गया तब डराने के लिए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाया गया कि देख हम लोग ऐसे करते हैं। अब हम लोग उसका थ्योरिटिकल बैकग्राउंड के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे जब ही हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। यानी जब मैं AS पढ़ाऊंगा ना तुमको ऐसा लगेगा सर ये सब चीज़ हमको पहले से मालूम था, बट अब वो लॉ के रूप में रूल के रूप में तुम्हारे सामने आएगा तब आपको तुमको लगेगा कि भाई फॉलो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पहले बचपन में लगता था ना ऐसे दिखा दे या ऐसे दिखा दे, अब तुमको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा लॉ यही बोलता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, बचपन में बहुत डाउट पूछते थे बच्चे, सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर से लेस करके दिखा सकते हैं? सर क्या हम इसको लाइबिलिटी साइड में दिखा दें? बहुत बच्चे पूछते थे, सर डेटर से लेस करना मतलब एसेट से माइनस करके दिखा रहे हो? सर यहां माइनस नहीं करके लाइबिलिटी में दिखा देते, बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगा। अब बैलेंस शीट टैली करना उद्देश्य नहीं है, बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन है वो सही पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं वो हमारा उद्देश्य है। उसके लिए डेटर हमेशा प्रोविजन से ही लेस, प्रोविजन हमेशा डेटर से ही लेस होगा, प्रोविजन कभी भी लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? देख लाइबिलिटी का मतलब होता है एक ऑब्लिगेशन टू पे। हम लोग जानते हैं लाइबिलिटी मतलब कि हमको किसी को कुछ पेमेंट करना है, एक ऑब्लिगेशन है कि हमको चुकाना है। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट में कोई ऑब्लिगेशन है कि तेरे को सामने वाले को कुछ पेमेंट करना है? नहीं सर, हमको तो लग रहा है जो पैसा आने वाला था वो आएगा नहीं, पेमेंट किसी को कुछ करना, अगर तेरे को किसी को कुछ पेमेंट ही नहीं करना है तो उसको लाइबिलिटी में कैसे दिखा सकता है तुम? मतलब बचपन में बैलेंस शीट वॉज ऑल अबाउट टैली कर दे बस, अब यहां से बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट टैली करने के साथ साथ जो वो बोल रहा है वो सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि उसी के बेसिस पे लोग ना सारे के सारे डिसीजंस और एनालिसिस करते हैं। अगर वही सही से नहीं प्रेजेंट करोगे तो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग सारी की सारी गलत हो जाएगी। आप लोग सीखोगे धीरे धीरे, कभी भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करते हैं तो हम लोग रेशियो एनालिसिस यूज करते हैं, हम लोग बहुत सारी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल, क्विक रेशियो, करेंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कवरेज रेशियोज, बहुत सारी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वरा वरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अलग अलग चीज़ें कंप्यूट करते हैं सो दैट हम कंपनी की एफिशिएंसी को समझ सके। जब आपका बैलेंस शीट ही सही प्रेजेंटेड नहीं होगा तो जब रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो वो फिगर सारे उल्टे पुल्टे लेंगे, अगर फिगर्स ही गलत लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो रेशियो भी गलत आएगा। तो मतलब अब बैलेंस शीट इज नॉट अबाउट टैली करवा दो, अब बैलेंस शीट इज अबाउट सही से प्रेजेंट भी हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब टैली तो करवाना ही है, वो उद्देश्य तो चेंज नहीं होगा, बट प्रेजेंटेशन भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोगों को सही बात सही समय पर पता नहीं चलेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग रूल्स, जो हम लोगों को इंटर लेवल पे पढ़ने का है। अगर मैं थोड़ा सा अभी इंडियन कंटेक्स्ट की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना इंडिया में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी पैरेलली चल रहा है, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी दो सेट ऑफ रूल्स पैरेलली काम कर रहा है। सर क्या दो सेट ऑफ रूल्स सबको फॉलो करना है? नहीं, गवर्नमेंट ने बांट रखा है। जो छोटी कंपनीज है, छोटी अभी मैं ना कंपनीज के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली कंपनीज पर ही लागू होता है। हाउएवर ऐसा नहीं है कि खाली कंपनीज पर लागू होता है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप सबको फॉलो करना पड़ता है, मैं उस पर जाऊँगा, बट अभी मैं कंपनी कंटेक्स्ट से बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो है ना वो कंपनी की अकाउंटिंग है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग है। कंपनीज के ऊपर इंडिया में अभी दो पैरेलल सेट ऑफ स्टैंडर्ड लागू हो रहे हैं, एक को हम लोग बोलते हैं AS, एक को हम लोग बोलते हैं इंड AS। AS का फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS का फुल फॉर्म इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नया सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाया गया, क्या है क्यों बनाया गया इस पर अलग डिस्कशन आएगा मेरा आधी घंटे का, बट फॉर द टाइम बीइंग दो स्टैंडर्ड चल रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो छोटी कंपनीज फॉलो कर रही है, छोटी कंपनीज, और जो बड़ी कंपनीज है वो फॉलो कर रही है, बोलिए क्या? इंड AS। सर आप बड़ी कंपनीज को कैसे डिफाइन करते हो? सिंपल सिंपल, अगर कोई कंपनी का शेयर्स डिबेंचर लिस्टेड है,
स्टॉक एक्सचेंज पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, आईटीसी, सुने हो, मारुति, मारुति सुजुकी, ये सारी कंपनीज, TCS, सुने हैं सब नाम, विप्रो, ये सारी कंपनीज का शेयर्स लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये लिस्टेड कंपनीज को हम लोग मानते हैं, ये बड़ी कंपनीज है। क्या कंपनीज है? बड़ी कंपनीज। लिस्टेड कंपनी जब भी अपना अकाउंटिंग करेगी उनको क्या फॉलो करना होगा? इंड एएस फॉलो करना होगा। सर हम लोगों को इंड एएस भी पढ़ना है फाइनल लेवल पे। इंटर का सिलेबस है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखो, फाइनल का सिलेबस है सारे इंड एएस सीखो। यानी अब जो इंटर फाइनल में अकाउंटिंग है ना, वो प्रोसीजरल बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है, डेबिट क्रेडिट कर दिया हो गया। इट इज मोर अबाउट रूल्स, इट इज मोर अबाउट लॉज कि किस तरीके से अकाउंटिंग होना चाहिए। या फिर जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड चाहे पब्लिक लिमिटेड, ये सब वर्ड सुना है प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, नहीं सुना है तो सीखना है। आपके कंपनी अकाउंट, कंपनी लॉ का ये बेस बनता है, आपको पहले यही सब पढ़ाया जाएगा, कंपनी कितने प्रकार की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये सब वर्ड्स आपको, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये सब वर्ड सीखने पड़ेंगे, डोरमेंट कंपनी। तो ये सब वर्ड जब तक नहीं सीखेंगे बेसिक कंपनी का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ, नेटवर्थ समझते हो कोई? नेटवर्थ मतलब अभी के लिए सिंपल बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, यानी मालिकों का पैसा। आप नेटवर्थ को ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अगर टोटल एसेट्स से आउटसाइड लाइबिलिटीज हटा देंगे तो क्या बचेगा? मालिक का अमाउंट। इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ। बट इसका रूल दिया गया है कैलकुलेशन का, जो हम लोग फाइनल में सीखेंगे, इंटर में नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इंटर में इंडेस हमारे सिलेबस का परव्यू नहीं है। जिन कंपनीज का नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, कितना? 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर नहीं, नेटवर्थ। टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा होना कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। टर्नओवर हो सकता है 250 करोड़ से ज्यादा, नेटवर्थ 250 करोड़ होना बड़ी बात है। नेटवर्थ मतलब कमाने के बाद जो पैसा आपने प्लॉबैक कर रखा है, उतना पैसा कंपनी में मालिक का 250 करोड़ रुपया लगा हुआ होना। आजकल सारी कंपनीज डेट पे खेलती है, तो मालिकों का पैसा होता है लिमिटेड और सारा का पैसा बाजार से उठाते हैं, जिसको डेट के रूप में उठाते हैं। तो नेटवर्थ 250 करोड़ जिन कंपनीज का है या उससे ज्यादा है, उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा बोलो? इंड एएस। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज मतलब जो लिस्टेड है या जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, वो चली गई सेकेंड पार्ट में, जिसको बोलते हैं इंड एएस। ये मैं समझाऊंगा, ये हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे, अलग से आएगा। इनको छोड़ के बाद बाकी जो अदर कंपनीज बची, छोटी कंपनीज, वो क्या फॉलो करेंगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ये दो करने का क्या जरूरत था? दो करने का ये जरूरत था, हमारे जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए थे ना, बनाने के बाद उसको ना प्रॉपरली टाइम टू टाइम अमेंड नहीं किया गया। यानी जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना, पढ़ के अच्छा तो लगेगा, बट तुम सीखोगे कि बहुत सारी रियल लाइफ में ऐसे एस्पेक्ट है जो अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर ही नहीं करता। ई कॉमर्स का जमाना आ गया, लॉयल्टी पॉइंट्स, डिस्काउंट वाउचर्स, सुने हो, लॉयल्टी पॉइंट्स, डिस्काउंट वाउचर्स, ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई है। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इनकी अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इंड एएस क्या है? जो आज वर्ल्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है, जिसको हम लोग IFRS बोलते हैं, उनको हमने कन्वर्ज करके नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, सो दैट आज के दिन के हिसाब से जो रियल लाइफ में हो रहा है वो सारे ट्रांजैक्शन कैप्चर किए जा सके हमारे अकाउंटिंग में। इंड एएस बहुत वाइड स्कोप है, इंड एएस में आज के दिन होने वाले हर एक चीज कवर्ड है, ताकि आपको अकाउंटिंग के लिए कहीं कुछ खोजना ना पड़े। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये सारी चीजें नहीं थी। तो जब बड़ी कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी ना, सही रिजल्ट वो डिपिक्ट नहीं करती थी, सही पिक्चर वो डिपिक्ट नहीं करती थी। हर चीज कॉस्ट पे चल रहा है, जबकि उनका फेयर वैल्यू कुछ और ही है। तो इंड एएस बोला, हम फेयर वैल्यू को लेकर आएंगे, हम चाहते हैं कि जो भी बैलेंस शीट में एसेट दिखे, लाइबिलिटी दिखे, वो सही वैल्यूज पर दिखाई दे। इंड एएस इसलिए बनाया गया, लाया गया। बट इंड एएस में जितने प्रोविजंस है ना, उनको एक छोटी कंपनी का फॉलो करने के लिए जितना समय और पैसा लगेगा, उतना कंपनी के पास समय और पैसा नहीं है। तो जब इनिशियली अभी इंड एएस लाया गया, गवर्नमेंट ने बोला एक बार बड़ी कंपनीज को फॉलो करने दो, लेट अस आल्सो प्रिपेयर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट अस आल्सो डेवलप सम CAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इस चीज पे इक्विप्ड हो सके। जब सब कुछ हमारे पास तैयार होगा, फिर हम छोटी कंपनीज को एक एक करके बोलेंगे फॉलो करना चालू करो, सो दैट हर जगह वो ट्रू पिक्चर आ सके। बट आज के दिन वो करना छोटी कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है।
जब फाइनल में आप इंड एस पढ़ोगे ना, आप देखोगे सर इतना माथापच्ची है, एक नॉर्मल कंपनी, एक नॉर्मल अकाउंटेंट, एक नॉर्मल एंटिटी ये सब करने के लिए सक्षम आज के दिन नहीं है। जितना कॉस्ट और जितना टाइम लगेगा, एक एक कंपनी ऑडिट फीस लेगी करोड़ रुपया, सर कौन देगा? अकाउंटिंग मेंटेन करने का लेगी 50 लाख रुपया, सर कौन देगा? सर वो सब क्योंकि पॉसिबल नहीं है। वैल्यूएशन कराने का लेगा लाखों रुपया, कौन देगा? वो सब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए छोटी कंपनीज में इन डेज को फॉलो करने एक बार मना कर दिया गया। इसको बोलते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास अभी उतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग सबको बोल सके कि आप सब एक ही फॉलो करो। अभी छोटी कंपनीज को बोलो जो चल रहा था वो चलाए, बड़ी कंपनीज को बोलो अब आप ये सही वाला फॉलो करना शुरू कर दो। और धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICAI को टारगेट दे रखा है कि तुम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रीडेवलप करो और इनको इन डेज के पार लेके आ जाओ, ताकि छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सभी एक ही सेट ऑफ रूल से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। और ICAI ने काम शुरू कर दिया। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो नया वाला आ रखा है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एकदम इन डेज के हिसाब से एकदम इन डेज जैसा ही है। यानी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया तो इंडिया में पीपी की अकाउंटिंग तुम अपने आप कर लोगे, मेरे को बहुत कम चीज सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जितना चीज बोलना था वो पहले ही बोल दिया। तो धीरे धीरे जाके आप देखोगे, जब तक आप सीए बन जाओगे 3-4-5 साल में, आप देखोगे AS इंडिया सब एक बराबर हो गया। तो इंस्टीट्यूट ने बोला इंटर लेवल में पहले AS सिखा दो ताकि बच्चों का बेस बने, फाइनल लेवल में इंडिया सिखा दो ताकि बाद में इंडिया सब आ भी जाए तो वो लोग कर सकेगा। तो आपको पूरा अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा फ्रॉम बिलो टू टॉप, आपको कुछ चीज छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक चीज सिखाया जाएगा। तो इंडिया में अभी पैरेलली दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं AS एंड NDAS। हमारा इंटर का सिलेबस सिर्फ AS पर बेस्ड है, सिर्फ AS पर बेस्ड है। और टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आज के दिन में इंडिया में है वो है 27। कितने? 27। सर हमारे सिलेबस में कितने? सारे 27। इंस्टीट्यूट बोल दिया सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, आप पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख लीजिए, सो दैट आप अकाउंटिंग कंपनी का करना चालू कर सके, आप अपना कॉरपोरेट अकाउंटिंग का काम शुरू कर सके। तो हम लोगों को सारा 27 का 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर लेवल पर डिस्कस करना पड़ेगा। अब ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब 27 चैप्टर तो ऐसे ही हो गया, मतलब सिलेबस का जो अपने बोलते ना डेप्थ, कितना सिलेबस है, ये सिलेबस ये है। और इसके बाद चैप्टर्स अलग से, शेड्यूल 3 पढ़ना है, ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है, बायबैक पढ़ना है, तो इतना सारा चीज हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। बट तुम लोगों को वो चाहते हैं कि बच्चे थोड़े से अकाउंटिंग के लेवल पे कम से कम स्मार्ट और इक्विप्ड हो सके विथ नॉलेज, सो दैट जब आप आर्टिकलशिप में जाओ छोटे मोटे काम आप खुद कर सको, आपको हर चीज सिखाने का दरकार ना पड़े। पहले नहीं होता था तो जब भी आर्टिकलशिप में जाते थे उनको सब सिखाना पड़ता था, फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूट अपने सिलेबस में AS बढ़ाने लग गया, बढ़ा बढ़ा के 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पुराने सिलेबस में ही था, 18 प्लस चैप्टर्स में कुछ AS थे, यानी तुम समझ लो 21-22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो थे, अभी 3-4-5 जो बचा था वो भी डाल दिया और बोला सारा कर लो। तो वो ग्रेजुअली सिलेबस बढ़ा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वो 0 से 27 हो गया, पहले भी 21-22 था, अब वो जो बचे हुए 5 थे वो भी डाल दिया, बोला 27 का 27 पढ़ लीजिए। अच्छा ये पढ़ के जाएंगे तो लाइफ में कुछ काम तो कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। और जो नॉलेज इंटर लेवल पे अच्छे से लेंगे फाइनल लेवल में वो बहुत काम आना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स बेसिक जो बेस होता है रूल्स का, वो तो चाहे AS हो या इंड AS हो, सोच तो रहना सेम है। इंड AS बस थोड़ा रिफाइन करके बात करेगा, थोड़ी और ज्यादा चीजें कवर करेगा, AS का कवरेज थोड़ा कम है। हावेवर बात तो वही करना है, तो अगर इंटर लेवल पे अच्छे से पढ़ेंगे तो फाइनल लेवल का बेस हमारा पहले से रेडी रहेगा। पहले बोल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने किसको बोला, ये बात समझ में आया? तो सारी कहानी शुरू होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हम लोग चाहते हैं कंपनी जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बना के दे वो क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर होने के लिए मैंने बोला कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। बेसिक याद रखो, ये वापस आएगा, ये चार उनके पास होना चाहिए। अब टू इंश्योर की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, हमको देखना पड़ेगा एंटिटी AS फॉलो कर रहा है कि नहीं। इंडिया में आज के दिन दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड चल रहे हैं कंपनीज के लिए, AS और इंड AS। हमारा सिलेबस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बड़ी कंपनीज पर लागू होता है इंड AS जो हमको पढ़ना है फाइनल में। और आज के दिन कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 27। अब एक चीज तुमको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह बनाता कौन है?
हमारा इंस्टीट्यूट ICAI। ICAI का ना एक बॉडी बनाया हुआ है, एक बोर्ड बनाया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है कि वो जब भी ज़रूरत पड़ेगा इंडस्ट्री में किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अकाउंटिंग रूल का, ये वो अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करेंगी। यहाँ पे लर्नेड पीपल्स है जो अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं, नॉट ओनली इंडियन कंटेक्स्ट का अकाउंटिंग, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है उनको सारी नॉलेज रहती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम उनके पास आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बाई फ्रेमिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट अपने लॉ में इंक्लूड कर देती है, सो दैट हर जन उस लॉ को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो बनाता कौन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सर, ICAI का एक बोर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करना जो इंडस्ट्री यूज करेगा। सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे, सब पर धीरे धीरे आएंगे। पहले बोलो, इतनी छोटी छोटी बातें सारी क्लियर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में? अगर इतनी बातें क्लियर है तो कुछ पॉइंट्स हम लोग रीड कर सकते हैं। हमारा चैप्टर है, आपको बुक ना नेक्स्ट वीक मिलेगा, आपको अभी इसमें बुक का जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है, यानी कुछ लिखना नहीं है, जो लिखना है वो अलग से लिखा दूंगा, खाली आपको देखना है और पढ़ने का है। मीनिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया ऐसे कर लेना, ये पूरा लिखित में बना के दिया गया है। इश्यूड बाई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, बोलिए एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इंडिया की कौन है? ICAI, और बाई गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी। अलग अलग कंट्री में अलग अलग जन के पास पावर होता है। देखो, मैंने बोला बनाने का पावर किसके पास है? ICAI, बट बना के इश्यू भी ICAI करे जरूरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रूल बनेगा कंट्री में, वो रूल ICAI नहीं बना सकता, वो रूल कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। वो पार्लियामेंट में बनता है, लोकसभा राज्यसभा में बनता है, और उसका पावर तो सिर्फ किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो बनाएगी ICAI, इश्यू कौन करेगा? गवर्नमेंट। बट अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल हो सकते हैं। हो सकता है किसी कंट्री ने अपनी बनाने वाली बॉडी को ही रूल दे रखा है, तुम ही बनाओ, तुम ही इश्यू कर दो, जो तुम इश्यू करोगे वो फॉलो करना पड़ेगा लोगों को। तो अलग अलग लोग हो सकते हैं, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी हो सकती है, या गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकती है जो उसको इश्यू करेगी। कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या एस्पेक्ट कवर होते हैं अकाउंटिंग के? चार एस्पेक्ट कवर होते हैं। कितने एस्पेक्ट? चार। हम लोग चार एस्पेक्ट को बोलते हैं, रिकग्निशन का एस्पेक्ट। रिकग्निशन मतलब कोई ट्रांजैक्शन को कब और कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो अगर आप कोई ट्रांजैक्शन के एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, तो फिक्स्ड एसेट जब आप रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, वो रिकॉग्नाइज कब होगा, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, होगा तो किस वैल्यू पे होगा, ये सारा का सारा चीज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल वो हमको प्रोवाइड करते हैं, रिकॉग्निशन, ट्रांजैक्शन को कब और कैसे रिकॉर्ड किया जाए। रिकग्निशन के बाद नंबर टू होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब वैल्यू मेजर करने का प्रिंसिपल, कि भैया फिक्स्ड एसेट को बुक्स पे लिखोगे तो किस वैल्यू पे लिखना है, इन्वेंटरी को बुक्स में लिखोगे किस वैल्यू पे लिखना है, इन्वेंटरी को बैलेंस शीट में दिखाओगे किस वैल्यू पे दिखाना है, फिक्स्ड एसेट को बैलेंस शीट में दिखाओगे किस वैल्यू पे दिखाना है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कौन सिखाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा, प्रेजेंटेशन। जो आपने अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग में आइटम्स, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट किया है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, PL में किसी आइटम को कैसे दिखाना है, बैलेंस शीट में किसी आइटम को कैसे दिखाना है, वो प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन का भी कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड नंबर फोर, डिस्क्लोजर। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई इससे रिलेटेड तो वो डिस्क्लोजर करने का भी, क्या डिस्क्लोजर करना है उसके भी रूल्स आपको कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड कर लिया, सब कर लिया, बट मान लो ड्यूरिंग द ईयर मैंने फिक्स्ड एसेट को ना गिरवी रखा है अगेंस्ट अ लोन। मेरे पास एक फिक्स्ड एसेट था, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला, मेजर कर लिया जैसे AS बोला, बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशन कर दिया जैसे AS बोला। अब डिस्क्लोजर की बात आई, इस साल हमने अपना फिक्स्ड एसेट क्या किया, गिरवी रख दिया बैंक के लोन के अगेंस्ट। क्या ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को पता होनी चाहिए? हाँ, तो इसका हम लोगों को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ताकि हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को दे सके। ये डिस्क्लोजर भी क्या करना है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से बताएंगे।
या फिक्स्ड एसेट का आप जैसे दिखाते हो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग WDV दिखाते हो, उसका रिकंसिलिएशन का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा, सो दैट आप एक स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रेजेंटेशन करके लोगों को दिखा सको। चार प्रिंसिपल कवर करता है, हम लोग चार को इजी लर्न करने के लिए हम लोग बोलते हैं PMRD। PMRD, P फॉर प्रेजेंटेशन, M फॉर मेजरमेंट, R फॉर रिकॉग्निशन, D फॉर डिस्क्लोजर। बट ये PMRD क्या है ना, सही सीक्वेंस नहीं है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉग्निशन होगा, इसके बाद मेजरमेंट प्रिंसिपल काम करेगा, इसके बाद प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल एंड लास्ट में डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो RMPD बोल लो। हम लोग तो PMRD इसलिए पढ़ते थे क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे एक टीचर थे MRD सर, तो MRD सर आज याद रहते थे, पी आगे लगा दिए तो PMRD, तो हमारे लिए वो इजी था। बट अब वो MRD सर पढ़ाते नहीं है तो तुमको पता नहीं होगा, तो तुम ऐसे पढ़ लो RMPD, रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और एक्चुअली एक इवेंट या ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है उसके लिए यही चार चीज चाहिए, कब रिकॉर्ड करूं, कैसे रिकॉर्ड करूं, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, किस वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाऊं, कैसे प्रेजेंट करूं, क्या डिसइंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूं, कि सारी चीजें स्टेक होल्डर तक पहुंच जाए। और वो सारे एस्पेक्ट हमको कौन कवर करके देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं जब तुमको AS 10 पढ़ाऊंगा, AS 10 है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर, बचपन में AS 10 का वर्ड सुना होगा, हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ते थे, PPE का अकाउंटिंग AS 10 सिखाता है। AS 10 में आपको सिखाएगा एक फिक्स्ड एसेट बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे तो किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे, हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, तो सिखाता है कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद बताएगा बैलेंस शीट डेट में किस वैल्यू पे मेजर होगा, कैसे प्रेजेंट होगा बैलेंस शीट में। फिर आपको अलग से सिखाएगा क्या क्या डिस्क्लोजर आपको फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स में करना पड़ेगा। कभी ये वर्ड सुना है नोट्स टू अकाउंट्स? हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पांच चीजें होती है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। ये हम लोग पढ़ेंगे, आएगा हमारे पास डिस्कशन, आएगा जब हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उस दिन मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। वैसे बेसिक्स में भी चर्चा किया हुआ है, हाउएवर मैं अलग से उस दिन करता हूं चर्चा। बैलेंस शीट आप जानते हो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटिटी एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, उस पर्टिकुलर टाइम पर कितने एसेट लायबिलिटी है उसका स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है सर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है सर, स्टेटमेंट विच शोज चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर कहां कहां से धंधे में पैसा आया और वो पैसा हमने कहां कहां पर यूज किया, ये कैश का मूवमेंट जो दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये क्या होता है, जो इक्विटी है ना, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, जो मालिक का पैसा है, ड्यूरिंग द ईयर मालिक का पैसा किस तरीके से चेंज हुआ है, यानी हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई इक्विटी शेयर इशू किया हो, कोई पुराना शेयर्स बाईबैक किया हो, कोई रिडेम्पशन किया हो शेयर्स का, या रिजर्व्स में कोई प्रॉफिट कमाया हो, कोई डिविडेंड बांटा हो, कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया हो, ये जो चेंजेस इन इक्विटी हो रहा है ना ड्यूरिंग द ईयर, जो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस चेंज हो रहा है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको देना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इंटर लेवल में ये आपको नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि AS बेस्ड कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है गवर्नमेंट ने, मतलब कोई रूल नहीं दिया है कैसे बनाना है। इंड AS वाली कंपनीज को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंपलसरीली बनाना है, AS बेस्ड कंपनीज तक अभी तक वो आया नहीं है, इसीलिए वो अलग से बनाते नहीं है हम लोग। और लास्ट है नोट्स टू अकाउंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नोट्स टू अकाउंट्स में ना हम लोग तीन चीजें दिखाते हैं, ध्यान से समझना, नोट्स टू अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। बैलेंस शीट पढ़ोगे कंपनी का तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट बैलेंस शीट का जब जाके नोट्स देखोगे तब तुमको एक एक चीज क्लियर होना शुरू होगा। क्यों कुछ समझ में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में लिख देगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10,000 करोड़। अब इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड है क्या, बिल्डिंग है क्या, मशीन है क्या, इक्विपमेंट है क्या, हेलीकॉप्टर है क्या, फर्नीचर है क्या, व्हीकल्स है क्या, वो कुछ नहीं बैलेंस शीट के फेस पर दिखेगा। हम लोग तो जैसे ही बैलेंस शीट बनाते थे, हम लोग क्या करते थे, टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते थे, बिल्डिंग इतना, लैंड इतना, मशीन इतना, ये इतना, वो इतना। बट कंपनी की बैलेंस शीट वैसे नहीं बनती क्योंकि कंपनी में तो हजारों आइटम्स होंगे, अगर वो वैसे दिखाने लगेगी तो उनकी बैलेंस शीट हो जाएगी 10 पेज की, तुम पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाओगे।
तो बोला जब बैलेंस शीट बनाओगे सीधा बोलो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10,000 करोड़। अब बताओ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या है, वो कहां बताएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। यानी हम लोग जितने आइटम बैलेंस शीट और पीएल में लिखेंगे ना, उनका रेफरेंस करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, और नोट्स टू अकाउंट्स में उसको डिसएग्रीगेट करेंगे। डिसएग्रीगेट करना मतलब जो 10,000 करोड़ है तोड़ के बताना, इसमें लैंड कितना है, मशीन कितना है, बिल्डिंग कितना है, इक्विपमेंट्स कितना है, फर्नीचर कितना है, व्हीकल कितना है, हेलीकॉप्टर कितना है, एयरक्राफ्ट कितना है, एक्सेट्रा। ये बताने से तो तेरे को पता चलेगा कि कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो धंधा करने के लिए एसेट है वो कितना है और बेकार एसेट कितना है। मान ले कोई कंपनी का बैलेंस शीट देखा, पीपी 10,000 करोड़, देख के कैसा लगेगा? सर बड़ा कंपनी है, इतना रुपया का फिक्स्ड एसेट है। जाके तुम देखा फर्नीचर 9,000 करोड़। सर फर्नीचर 9,000 करोड़ किया क्या है? कुछ नहीं, अपना ऑफिस पूरा सोना का बनाया है। सर सोने के ऑफिस में सोएगा क्या? नहीं, काम करेगा। तो सर इतना महंगा ऑफिस बना के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सर मशीन कितने का है? सिर्फ 1,000 करोड़। सर हम तो 10,000 करोड़ देख के खुश हो रहे थे, माल बनाने वाला मशीन तो 1,000 करोड़ है जो पैसा लेके आएगा, रेवेन्यू लेके आएगा, और बेकार 9,000 करोड़ पड़ा हुआ है। यानी हम अगर एसेट का कॉम्पोनेंटाइजेशन नहीं देखेंगे ना, क्या क्या एसेट है उसके अंदर, हमको पता ही नहीं चलेगा रियल में सब चीज क्या है। और अगर वो नहीं पता चलेगा तो बैलेंस शीट पढ़ के क्या फायदा हुआ? इसीलिए बैलेंस शीट में तुमको तो सिर्फ एग्रीगेट आइटम दिखेगा, उसका तोड़ के जो डिसएग्रीगेशन है वो कहां करना पड़ता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। और हर एक आइटम बैलेंस शीट पीएल का क्रॉस रेफरेंसिंग नोट्स में होगा। जैसे शेयर कैपिटल अगर मैंने बैलेंस शीट में दिखाया, शेयर कैपिटल के पास मैं लिखा नंबर 2, तो नोट्स टू अकाउंट्स में जब नंबर 2 नोट देखोगे वो किसके ऊपर होगा? शेयर कैपिटल। ये क्रॉस रेफरेंसिंग करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है। तो सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट्स में होता है डिसएग्रीगेशन ऑफ ऑल आइटम्स प्रेजेंटेड इन पीएल एंड बैलेंस शीट। दूसरा, आप ये जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, ये अकाउंटिंग रूल्स यूज करके बनाए हो, क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में? वो आपको दिखाना पड़ता है। सर क्यों दिखाना है? हम लोग तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। और आप बोले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रूल्स प्रोवाइड करता है, तो सर जब रूल सबके लिए एक है तो अलग से डिस्क्लोजर क्यों? हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कहीं कहीं पर ऐसी जगहें हैं जहां एक से ज्यादा अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिए गए हैं और एंटिटी पर छोड़ा गया है कि तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट करके अपना पॉलिसी बना लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री का कॉस्ट फार्मूला याद करना। इन्वेंट्री का कॉस्ट फार्मूला फीफो भी यूज कर सकते हो, वेटेड एवरेज भी यूज कर सकते हो। लीफो नहीं अलाउड है, AS2 में सिर्फ फीफो और वेटेड एवरेज। अब साला AS2 ऑप्शन दे दिया। अब मान ले रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती है फीफो करना, क्या कोई प्रॉब्लम है? एक्स कंपनी है वो चाहती है वेटेड एवरेज करना, क्या कोई प्रॉब्लम है? बट अगर ये दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंपेयर करेंगे और उन्होंने नहीं बताया है कि उन्होंने किस पॉलिसी से किया है, तो आपको तो कंपैरिजन समझ में आएगा ही नहीं कि कंपैरिजन सेम लेवल पे है या नहीं है। जब हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड एसेट की, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट को मेजरमेंट पीएल में मेजर बैलेंस शीट में मेजर करने के लिए दो मेथड है, कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल। दोनों में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप बताओगे नहीं आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, तो हमको कैसे पता चलेगा आपका अकाउंटिंग का जो वैल्यू आया वो कैसे आया है? तो जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने यूज की है अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, वो सब आपको बतानी पड़ती है। और तीसरा, कोई अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसी आइटम से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो एक्चुअली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिस्क्लोजर की बात करता है ना, वो ये बताता है आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स टू अकाउंट्स पे डिस्क्लोज करनी है, आपको किस तरीके से रिकंसिलिएशन देना है फिगर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स में, क्या इंपॉर्टेंट अदर इन्फॉर्मेशन है जो आपको अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिस्क्लोजर वाले पॉइंट्स में बताते हैं। जरूरी नहीं है वो एग्जॉस्टिव है, लिमिटेड भी है, कहीं कहीं एग्जॉस्टिव भी है, वो आपको देख के समझना पड़ता है। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अलग से लगती है तो और भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। ज्यादा करना प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम जो दिया हुआ है वो तो करना ही पड़ेगा। मान ले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तेरे को लग रहा है डिस्क्लोज करना चाहिए, बट कहीं पर नहीं लिखा डिस्क्लोजर इसका जरूरी है, तेरे को लगता है स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या तुम एडिशनली डिस्क्लोज कर सकते हो? मजे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, बस रेलिवेंट होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है तो फिर उसका डिस्क्लोजर का कोई फायदा नहीं है। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोजर करना है, ये डिस्क्लोजर भी हमको कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट से रिलेटेड चार चीजें हम लोगों को सिखाएगा, उसका रिकग्निशन, उसका मेजरमेंट, उसका प्रेजेंटेशन, उसका डिस्क्लोजर।
रिकॉग्निशन मतलब कब कैसे रिकॉर्ड करे, मेजरमेंट मतलब किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करे और उसको आगे लेकर जाए, प्रेजेंटेशन मतलब बैलेंस शीट पीएल में कैसे उसको दिखाएं, और डिस्क्लोजर मतलब उससे क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोट्स में डिस्क्लोज करे। ये सारी बातें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में देखने मिलेगी। क्लियर है क्या बात? ये चार वर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं, RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। तो बोला कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन तो देखो, तो बोला रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू करता है कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी, जो कवर करता है चार एस्पेक्ट, RMPD। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन दिया गया। हम लोगों को याद नहीं करना, कभी नहीं पूछेगा राइट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटर लेवल में पेपर बहुत ही तरीके का आता है, वो ये सब बेकार चीजें आपको पेपर में नहीं देते। तो सर ये पढ़ते क्यों है? सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक्चुअली जो पढ़ने जा रहे हैं 27 जिसके लिए हम लोग अपना पूरा 6 महीना लगाएंगे, वो समझे तो सही एक्चुअल में है क्या। नहीं पता रहेगा, पढ़ रहे तो लगेगा पढ़ तो लिए, इसका काम क्या है। एक्चुअल में कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले यू मस्ट इंश्योर दैट यू नो वेयर इट विल बी यूज्ड। इफ यू डोंट नो वेयर टू यूज अ पर्टिकुलर टॉपिक, स्टडिंग दैट टॉपिक इज बेकार। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट शीट बनाना अगर कॉस्ट में सीखेंगे, नवनीत सिखाएगा, तो आप पूछिए सर ये कॉस्ट शीट हम लोग क्यों बनाते हैं, सर ये कॉस्ट शीट कब बनता है, ये कॉस्ट शीट बनाने के फायदे क्या है सर। अगर आपको वो पता रहेगा ना, तब कॉस्ट शीट पढ़ने में अच्छा लगेगा, चल हाँ मेरे को यहाँ काम आएगा। और तेरे को पता ही नहीं है कि कॉस्ट शीट क्यों बना रहे, तो उसका कोई फायदा। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बना रहे, इसमें क्या चीजें हैं, तो पहले समझो ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने जाओ तो ये सब दिखाई दे, तुमको पता रहे रियल लाइफ में कहां काम आएगा, मेरे को नहीं तो ये सब बेकार है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, क्लियर है? मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो डेफिनेशन दे रखा हूं, मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन अपना बना रखा है, स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन टू अवर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। जितनी भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आपको आती है उनसे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सॉल्यूशन बनाया गया, जिन स्टैंडर्ड सेट ऑफ सॉल्यूशन को बोला गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाम से ही अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड यानी अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज जो जहां लिखे गए हैं उनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डन है बात? नेक्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट पढ़ लिया उसी से रिलेटेड है, क्या क्या इश्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। तो आप पहला पॉइंट में देखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉग्निशन। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो आपको दिखेगा मेजरमेंट ऑफ दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मेजरमेंट। तीसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ दीज ट्रांजैक्शन इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ मैनर दैट इज मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर। जो मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट अब सिर्फ मैच नहीं करवाना है, ऐसे बनाना है कि सामने वाले को पढ़ के समझ में भी आना चाहिए। एंड लास्ट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू वेरियस आइटम्स, सो दैट हम लोग स्टेक होल्डर्स को इनेबल कर सके आइटम्स को अच्छे से समझने में, एनालाइज करने में, उसके लिए हम लोगों को डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार इश्यूज को डील करता है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट, मेजरमेंट ऑफ दीज ट्रांजैक्शन इवेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ दीज आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू देम, सो एज टू मेक देम मीनिंगफुल फॉर दी स्टेक होल्डर। ये चार इंफॉर्मेशन टोटल तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट जो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री से डील करता है तो वो आपको बताएगा इन्वेंट्री का मेजरमेंट कैसे होगा, क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं, वो सब बताएगा आपको, आपको बस पढ़ के उसको समझना पड़ेगा। और अगर कहीं पे कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग अपनी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहां पे लिख लेंगे, देख AS2 तो नहीं बोला अकाउंटिंग कैसे होगा, हम लोग अकाउंटिंग ऐसे करते थे, याद है ना, तुम बोलोगे याद है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जब AS2 पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं सिखाता कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे होगी, ओपनिंग स्टॉक कैसे लिखेंगे, परचेस कैसे लिखेंगे, सेल्स कैसे लिखेंगे, नहीं बताता है। बट हम लोग बचपन में सीखे हैं ना, तो हम लोग उसी के बेसिस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, सो दैट हमको पता है रूल ये है और अकाउंटिंग ऐसे करनी है। इससे क्या होता है, पूरा बैकग्राउंड क्लियर रहता है कि अकाउंटिंग क्या होगा और उसके पीछे जो रूल्स है वो क्या है, ताकि हमारा कोई गलती ना हो। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और वो क्या क्या इश्यूज से डील करते हैं, ये सबको क्लियर है। एक शॉर्ट फॉर्म RMPD, ये ध्यान रखना है।
एग्जाम में ये इशू डेल्ट वाला क्वेश्चन ना बड़ी बार 3-4 मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल देता है जिसमें बोलता है व्हाट आर द इश्यूज डेल्ट विथ बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हम लोग बोलेंगे चार इशू डील करता है, RMPD। अब 4 मार्क का अगर क्वेश्चन आए तो सिर्फ 4 पॉइंट लिखना खुद को अच्छा नहीं लगना चाहिए। हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग AS को डिफाइन कर देंगे और AS को डिफाइन करने के बाद RMPD बता देंगे। बट डेफिनेशन मतलब ये नहीं वर्ड टू वर्ड, जो समझ में आया वो लिखना है और 4 RMPD एकदम वर्ड टू वर्ड होना चाहिए और कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्निशन, आप ये नहीं बोलेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स, RMPD, ये 4 वर्ड ध्यान रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के फायदे क्या हुए मैंने आपको बता दिया, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है। सबसे पहला फायदा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, जिसके लिए मैंने बोला AS लाया गया। अगर कोई स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं हो तो हर एंटिटी अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा और प्रेजेंट कर देगा। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया तो अब एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल है, आप उससे डेविएट नहीं कर सकते। तो जो डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पहले चला करती थी अब वो स्टैंडर्डाइज हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से। हम लोग अपनी इच्छा से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, हमको AS को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला बेनिफिट दिया गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। दूसरा, ये स्टैंडर्डाइजेशन करने से पता है क्या फायदा होगा, कंपेरेबिलिटी इन्हांस होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब आप जब कंपेयर करोगे ना एक एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी एंटिटी से या किसी कॉम्पिटिटर से, क्योंकि दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही रूल पे बना हुआ है, आप उनको इजीली कंपेयर कर पाएंगे। तो मेरा दूसरा बेनिफिट है कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो मेन बेनिफिट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लाने से हुआ, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया सारे डिफिनिट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, और दूसरा स्टैंडर्डाइज होने के कारण सारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गए, कंपेरेबल हो गए, क्योंकि वो एक ही सेट ऑफ रूल से बनाए गए हैं। और तीसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को एडिशनल बताता है क्या और डिस्क्लोजर करने चाहिए सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाए। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से, एडिशनल डिस्क्लोजर होने से स्टेक होल्डर को सही इंफॉर्मेशन मिल पाती है। तो 3 बेनिफिट बताया गया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड ट्रीटमेंट्स, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर। AS आने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये फायदे हुए जिसके कारण हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएगा। जब तक AS नहीं था तो ट्रू फेयर व्यू बहुत बार हर्ट होता था। AS आने के बाद अगर आप AS फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, इट विल इंश्योर कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रहे। और ट्रू एंड फेयर होने का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। तो बेनिफिट में सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट, टू अ रीजनेबल एक्सटेंट बोल रहा है, जरूरी नहीं है पूरा खत्म कर दे, टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट ऑल टूगेदर। दूसरा वाला कहीं कहीं पर तो एलिमिनेट भी कर देगा, लोग ऑल्टरनेटिव कर ही नहीं पाएंगे। कंफ्यूजिंग वेरिएशन इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग अकाउंटिंग रूल्स यूज करते थे वो खत्म हो गए, तो इसके कारण जो कंफ्यूजिंग ट्रीटमेंट होते थे अब वो नहीं होंगे। The application of accounting standard would to a limited extent facilitate comparison of financial statement in companies situated in different parts of the world and also of different companies situated in the same country. Financial statement of various countries compare कर पाओगे, क्योंकि वो एक standard set of rules से बनाया गया है। जो हम फॉलो कर रहे हैं वही रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉलो कर रहा है। तो तुमको अविनाश का खोलो पहनो प्राइवेट लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर सेम धंधा है, रिलायंस रिटेल और खोलो पहनो प्राइवेट लिमिटेड सेम धंधा है, वो भी यही कर रहा है और हम भी वही कर रहे हैं, अगर कंपेयर करना है कर पाओगे, क्योंकि हमारा दोनों का सेम सेट ऑफ रूल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है। TCS और इंफोसिस को कंपेयर करना आप कर सकते हो, क्योंकि उनका सेम सेट ऑफ रूल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से ये फायदा हुआ। तीसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, there are certain areas where important information are not statutorily required to be disclosed, standard may call for disclosure beyond that required by law. कहीं पर लॉ नहीं बोलता है कि डिस्क्लोजर करना है, बट स्टैंडर्ड अगर आपको बोल देगा तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, जिससे आपका स्टेक होल्डर को और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। हम लोगों को ना खाली पॉइंट याद होना चाहिए, अंदर का माल बना के लिखना है। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या लिखेंगे,
द अकाउंट प्रिपरेशन या द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव रिड्यूस्ड द चांसेस ऑफ यूजिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बाई डिफरेंट एंटिटीज देयर बाई इट इज हेल्पिंग टू स्टैंडर्डाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉलोड बाई वेरियस एंटिटीज. कंपेरेबिलिटी में क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज आर नाउ प्रिपेयर्ड यूजिंग अ सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स विच इनहेंसेज द कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मन से बना के लिखने का, ये तीन लाइन जो लिखा हुई है एज इट इज याद नहीं करने का. हम तुमको फाउंडेशन में भी वैसे मना कर दिए थे वर्ड टू वर्ड याद करने का दरकार, पता है तो मन से बना के लिख देना. जैसे अगर कोई डिफरेंस बिटवीन आए तो पता होना चाहिए दो चीज क्या है, डिफरेंस अपने आप बन जाएंगे. तो वैसे ही इंटर लेवल पे भी कभी थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो आपको अपने मन से लिखना है, बस ट्राई करो पॉइंट सेम रहे ताकि जो चेक कर रहा है ना उसको सजेस्टेड आंसर और तुम्हारे कॉपी में सेम चीज दिखाई दे. तुम अपने मन से पॉइंट बना के लिख रहे हो जो चीज सजेस्टेड आंसर में नहीं है तो चेकर ऐसा थोड़ी अकाउंटेंट का विद्वान है. अकाउंटेंट का विद्वान होता तो वो चेकर नहीं होता, टीचर होता. समझो बात को, मतलब हम अपने आप को अकाउंटेंट का विद्वान नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं वो चेक नहीं करता, वो दूसरा काम करता. वो चेक क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो काम चाहिए. तो इसलिए वो चेकर को ऐसा नहीं है कि अगर कोई टैक्स का कॉपी चेक कर रहा है उसको टैक्स सब कुछ आता है. उसको बेसिक नॉलेज है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अच्छा प्रोफेसर है, उसको चेक करने के लिए दिया जा सकता है, वो ड्यू डिलीजेंस से चेक कर लेगा. बट ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये नहीं होता वो एक चीज हर चीज एक चीज पढ़ेगा और अपने आपने मन से जो लिखा उसको चेक करेगा. इसीलिए सर लॉ में बोलते थे ज्यादा मन से बना के नहीं लिखना है, थोड़ा तो भैया जो बुक में है वो लिखना पड़ेगा. वर्ड्स आने चाहिए, नहीं आएंगे उसको दिखेंगे नहीं तो वो मार्किंग किस पर करेगा. तो सर चेकिंग ऐसे होता है, सजेस्टेड आंसर में ये लिखा है, मेरा ये लिखा है, नहीं मैच करेगा तो मार्क्स काट लेगा. बिल्कुल थ्योरी पेपर में तो ये होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट वाले पेपर में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले पेपर में, इफ योर पॉइंट्स डज नॉट मैच यू विल गेट 5 में 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0. तो सर रटना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो रटना भी पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा. कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसमें बिना रटे काम हो जाएगा. क्लास 11-12 में भी था रटना था, बीकॉम में भी रटना है, थोड़ा सीए में भी रटना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं है. क्योंकि तुम देखेगा प्रैक्टिकल वाले पेपर्स में रटन विद्या नहीं रहेगी, समझने की विद्या रहेगी. टैक्स में भी समझने की विद्या रहेगी, रटने का आप सिर्फ डेढ़ सब्जेक्ट बच गया है, ऑडिट और एसएम. और ऑडिट और एसएम में बिना मैक्स बहुत, लॉ में रटन विद्या नहीं है. तुम लोग लॉ कैसे पढ़ता है मेरे को पता नहीं. जैसे मेरे को आज भी तुम पूछोगे ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रोविजन में ऐसे भी बोल दूंगा, जैसे माइनर के कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम सिंपल है, उसमें रटने का जरूरत नहीं है. वाले वर्ड्स कैच होना चाहिए, नेसेसरीज, नेसेसिटीज, void ab initio, lunatic, unsound mind, ये वर्ड जो होते हैं ना आप लिख देते हो वो पागल है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. पागल कोई वर्ड नहीं होता, बोल रहा उसका दिमाग खराब हो गया इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. आपको वर्ड लिखना पड़ेगा अनसाउंड माइंड, बच्चा को नहीं समझ में आ रहा हिज माइंड इज नॉट इन प्लेस सो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. ये सब वर्ड्स लिखेंगे कभी मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको वो वर्ड वही लिखना पड़ेगा जो लॉ ने वर्ड आपको बताया, उस वर्ड का महत्व है. तो क्या होता है, आप लर्न कर ले बैठ जाते हो सारा. हम लोग लर्न करते थे सिर्फ वर्ड्स, कि मेरे को ये वर्ड आंसर में आना चाहिए, यानी कोअर्जन है तो क्या आना चाहिए, अंडी इन्फ्लुएंस है तो क्या आना चाहिए, वो वर्ड पता होना चाहिए. थोड़ा बहुत अगर कोई स्मार्टली पढ़े ना लॉ तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझने पर चलता है. लर्निंग कहाँ करना पड़ता है उसमें भी क्या होता है, तुमको क्वेश्चन पेपर को समझना पड़ेगा. जैसे हम लोग कैसे पढ़ते थे, कान से निकाल रहे हेडफोन तो क्या हुआ, तो कान में क्यों उसको तकलीफ दे रहा है. हम लोग कैसे पढ़ते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो भी डाला था कि किस तरीके से लॉ का पेपर आपका बन के आता है. अगर तेरे को पता रहेगा कि एक चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में 3 टॉपिक ऐसा है जिससे सिर्फ केस स्टडीज आ रहा है. केस स्टडीज वाले टॉपिक में याद नहीं करना पड़ता, वो 3 टॉपिक को समझने पर फोकस करो. क्योंकि केस स्टडी याद करने से सॉल्व नहीं होगी, समझने से ही सॉल्व होगी. और उन पर जितना केसेस पढ़ सकते हो उतना केसेस या एग्जांपल्स पढ़ के जाओ, क्योंकि वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है. इंस्टीट्यूट के मैट में हर प्रोविजन के बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड आई कैन चैलेंज, वो हर एग्जाम का क्वेश्चन उसी एग्जाम्पल से बन के आता है. बस उसको स्टोरी के फॉर्म में फ्रेम करता है, आता वही है जो एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है. तो मैंने देखा भैया ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे ना एकदम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है. आई विल नेवर लर्न दैट टॉपिक, आई विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. सर 2 टॉपिक ऐसा है जिससे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड,
आई ट्राई टू मग अप दोज टॉपिक्स, और उसमें भी सारा नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को बार बार पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडरेशन वाले टॉपिक में, वॉट आर दी अग्रीमेंट जहां पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल वैलिड नहीं है, तो मैं उसके पॉइंट्स याद कर लूंगा. सिर्फ मेरे को अंदर का याद करने का दरकार, लव अफेक्शनेट होना चाहिए, कोई ग्रैटिट्यूस एक्ट वगैरह किया है तो वो होना चाहिए, वो सारा चीज जो होता है वहां पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होने से भी चलता है. आपको देखना पड़ेगा एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है. तो अगर कंपनी लॉ में, और मान लो लॉ के अंदर टोटल 15 चैप्टर है, आप 15 चैप्टर को ना जैसे ही एक चैप्टर पढ़ेंगे उनके एग्जाम क्वेश्चन देखिए. एग्जाम क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा इस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है, और उसके हिसाब से वो टॉपिक का लर्निंग होगा. अगर आपको दिख रहा है केस स्टडी आ रहा है, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, नो लर्निंग इज रिक्वायर्ड. सर केस स्टडी में भी तो प्रोविजन लिखना पड़ता है. अरे वो प्रोविजन तुम वर्ड्स खाली कैच, वो भी प्रोविजन कैसे लिखेगा, जब तुम एग्जांपल्स रीड करना सीख जाएगा ना, अपने आप तू प्रोविजन लिखना सीख जाएगा. उसके लिए पूरा लर्न नहीं करना पड़ता है. एक चैप्टर देखा सर से थ्योरी थ्योरी आ रहा है, तो मतलब उस चैप्टर में स्टार मार्क कर ले, जो जो चैप्टर क्वेश्चन रिपीटेड है उनको तो रट ले, और बाद बाकी क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चला जा. तो कितना एक्सटेंट तक रटना और कितना नहीं रटना, वो कोई बच्चा जानेगा तभी वो बच्चा स्मार्ट है, नहीं तो बच्चा स्मार्ट नहीं है. फिर वो बच्चा सब पढ़ते चला जा रहा है, उसको याद कुछ नहीं रह रहा है. मतलब टोटल लॉ के पेजेस में हो सकता है सिर्फ 50 पेज ही रटने का हो, बाद बाकी सारा पेज समझने का हो. तो अगर 400 पेज में 50 पेज रटना है तो भी पॉसिबल है, 400 का 400 रटने बैठ गए तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर आप नहीं दे पाओगे एग्जाम. तो डर बाहर निकालना पड़ता है. डर निकाल दो कि सर ठीक है पढ़ेंगे ना, ट्राई करेंगे ना, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा. जो आज तक फाउंडेशन अगर पास कर जाएंगे तो सर इंटर में भी ट्राई करेंगे, ये भी तो नया था. अगर ये नया चीज क्लियर कर सकते तो इंटर क्यों नहीं क्लियर कर सकते. डरना नहीं है, पहले समझना है क्या चीज को कैसे हिट करना है. तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग देखते हो एग्जाम पेपर्स एकदम लास्ट में जब एग्जाम आ जाता है, जबकि तुम लोगों को फाउंडेशन में भी सिखाया गया था हर चैप्टर के बाद एग्जाम पेपर देखना जरूरी है टू अंडरस्टैंड किस लेवल पे प्रिपरेशन होना चाहिए. हम लोग हर चैप्टर के बाद फाउंडेशन में, याद है डेप्रिसिएशन खत्म हुआ था उसका 5 टर्म सॉल्व करो, बीओई खत्म, 5 टर्म क्यों करवाते थे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि 5 टर्म मतलब सुन, इजी पेपर भी कवर्ड हो गया, टफ पेपर भी कवर्ड हो गया, एवरेज भी कवर्ड हो गया. अगर साला 5 टर्म में सब कवर्ड है, हम लोग बोलते हैं एक टर्म का करोगे तो फंस जाओगे, वो पेपर ईजी आया तो तुमको सब लगेगा बहुत आता है मेरे को, टफ आ गया तो तुमको लगेगा हमको कुछ नहीं आता है. एक पेपर से नहीं होता. जब हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स तो हम लोगों को कुछ डेटा चाहिए होता है, नहीं तो हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेशन. तो 5 टर्म का डेटा देखने के बाद तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाएगा कि इतना चीज पढ़ के चला जाए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. मेरे को एक बच्चा बोल रहा था सर आप तो एक तो मैराथन में बोलते बोलते इन्वेंट्री में बोले थे मेरे को लगता है ये आएगा, और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया. वो आएगा इसलिए लगता है क्योंकि जब हम लोग एग्जाम पेपर देखते हैं ना तो मन बोलता है कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, बहुत दिन हो गया नहीं आया, ये आना चाहिए. इंटर लेवल पे एडवांस अकाउंट्स में एक 15 मार्क का क्वेश्चन, मैंने सिर्फ बोला था ये देख के जाना और इसको बना के जाना, साला वो सेम क्वेश्चन बैठ गया गया क्योंकि जो चीज बहुत दिन से नहीं आ रहा है वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो पहले करने का है, और फिर हम लोग वो फ्रीक्वेंट वाली चीजों को भी देखते चले जाएंगे. वो सब चीज तभी समझ पाओगे जब क्या देखोगे पेपर. तुम लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ रटन विद्या, सर पढ़ा दिए लर्न कर लो, नहीं सर पढ़ा दिए लेट सी एग्जाम में क्या आता है, अब उसके बाद लर्निंग चालू करेंगे. तो हो सकता है दिखे जनरल मीटिंग का पूरा या कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उस पूरा का पूरा टॉपिक में सिर्फ 2 पॉइंट लर्न करने का और बाद बाकी सब समझने का था. मेरा बात समझ में आ रहा है कैसे अपने डिसाइड करते हैं. तो वैसे ही ये सब चीज लर्न नहीं करना है अपने को. पॉइंट्स लर्न होने से क्या होता है, एग्जाम में लिखने में कॉन्फिडेंस रहता है, और जो चेक करता है ना उसको जब सजेस्टेड आंसर से पॉइंट मैच करता है वो ज्यादा अंदर पढ़ता नहीं है. नहीं तो वो अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो तुम भी जानते हो क्या होगा. तुम चाहते हो वो पढ़े नहीं, पॉइंट देख के मार्क्स दे दे, क्योंकि अंदर जो लिखे वो हम ही जानते हैं. उसी वर्ड को, उसी एक पॉइंट को चार बार बना के बाई टू करके आए हैं. एक्टिव पैसिव चल रहा है अंदर. तो हम चाहते ही है कि वो अंदर ना पढ़े, और अगर उसको अंदर नहीं पढ़ने देना है तो योर पॉइंट शुड बी एकदम करेक्ट. जैसे ही वो पॉइंट देखेगा ना, ये सही पॉइंट लिखा, बच्चे को नॉलेज है, वो मार्क्स ऐसे ही दे देता है आधा से ज्यादा. बिल्कुल ये सब साइकोलॉजी हिट है. हम सीए फाइनल का एक पेपर, इसका का पेपर होता था इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको आईटी बोलते हैं, बेकार पेपर, 500-400 पेज की बुक थी, पूरा थ्योरी और पूरा लर्न करने वाला चीज, उसमें हम 75 लेके आए. सिर्फ नवनीत भैया का एक बात सुने थे. क्या बात, वो बोला भाई जब आंसर लिखे ना, जिस आंसर में तेरे को पॉइंट एकदम याद हो उसमें क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट लिखेगा, राइट हैंड साइड में ज्ञान लिखेगा. मतलब पॉइंट के नीचे लाइन छोड़ देना, जगह छोड़ देना,
उसको सिर्फ पॉइंट हाईलाइटेड दिखना चाहिए। तो जहां जहां पॉइंट याद है इतना हाईलाइट करके आ जाए साला, उसको और कुछ दिखे नहीं, और जहां नहीं आता है ऐसा पैराग्राफ में बना के लिख कि उसको थोड़ा पढ़ना पड़े ताकि वो पढ़े तो दो चार चीज समझे और मार्क्स दे। हम पूरा का पूरा पेपर वैसे ही लिख के आए थे, वो 75 दिया वो 100, वो पेपर में 75 नहीं आता, बहुत फेल ही वही करता था। एक स्ट्रैटेजी एंड चेंजेस योर पेपर, समझना पड़ता है कहां क्या रिक्वायर्ड है। हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ अपने हिसाब से पढ़ रहे, समझ ही नहीं रहे एग्जाम क्या होने वाला है। एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो। अगर एग्जाम क्रैक करना है, नॉलेज से एग्जाम क्रैक सिर्फ नहीं होता, एग्जाम स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैराथन में तुमको गुरु ज्ञान देते थे वो एग्जाम स्ट्रैटेजी था कि 15 मिनट कैसे यूज करना है। जो 15 मिनट अच्छे से यूज किया ना, उसको लगेगा साला पेपर में कभी ऐसा लगा ही नहीं, पेपर लेट चल रहा है, ढाई घंटा दो घंटा 45 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा। ऐसा मन में पहले देर से तेरे मन में था कि यार ये तो इजीली बन गया मेरे से, 15 मिनट में अगर हम 10-15 मार्क्स कवर कर लिए हैं तो मेरा पेपर छूटना ही नहीं है। और जो वही 15 मिनट में पेपर पढ़ रहा था वो बेचारा 80-90 मार्क का लिख के उसको छोड़ के आना पड़ा होगा। ये छोटा सा एक स्ट्रैटेजी कि कैसे यूज करना है अपना टाइम, वो तेरे एग्जाम में 10 मार्क्स चेंज कर देगा। ये पता नहीं चलता, ये तब पता चलता है जब एग्जैक्टली तुम देखता है कि हम क्या करते और हमने क्या सुन के किया, उसमें डिफरेंस क्या आया। एक छोटा सा स्ट्रैटेजी, हॉल से निकलते ही पेपर फाड़ दो, बहुत इफेक्टिव है, करते नहीं है बट वो फाड़ देना चाहिए ताकि तुम घर आके डिस्कस भी ना कर पाओ किसी से क्या है। हम लोग कभी क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आते थे, कभी भी क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आए। इंटर फाइनल में जब से सीखा, मेरे को मेरे सर सिखाए थे जिनसे मैं आर्टिकलशिप करता था जिनके अंडर, वो बोलते थे पेपर घर मत लेके आना, सीएस इंटर, सीएस फाइनल, सीए फाइनल, मैं तीनों एग्जाम में एक भी पेपर घर लेके नहीं आया। आंसर शीट जमा की, पेपर फाड़ा, डस्टबिन में गिराया, एग्जाम हॉल से बाहर। अब मेरे को याद ही नहीं है पेपर में क्या क्वेश्चन आया, तो जब याद ही नहीं है क्या क्वेश्चन आया तो आके चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तुम क्या करते हो, याद कर लेते हो क्या आया था, घर आके आंसर चेक करते हो, सही लिखा क्या, सही लिखा, अबे सही नहीं भी लिखा तो क्या कर लेगा, तुम चेंज कर पाएगा क्या आंसर को, तो कहीं टेंशन ले रहा, जो होना था हो गया, कटना था कट गया, मिलना था मिल गया। अब उतना टेंशन से लेके फायदा नहीं है। ये मैच्योरिटी होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए बच्चे के अंदर कि हम एग्जाम जब देंगे तो एग्जाम लेवल पर जाके एग्जाम देंगे। वो बचपना जिसके अंदर होता है ना, वही एग्जाम से बहुत घबराता है और उसका हालत बहुत खराब होता है। एक पेपर खराब जाएगा, तीन पेपर देने नहीं जाएगा। तुम लोग देखे होगे, सर पहला पेपर में 100 जन आया था एग्जाम हॉल में बैठा था, दूसरा पेपर में सर थोड़ा अकाउंट तो इजी था, लॉ थोड़ा सा टेक्निकल होते ही क्या होता है 100 से 40 हो जाता है, मैथ थोड़ा और टेक्निकल हुआ तो 40 से 20 जन, लास्ट दिन में तुमको 20-30 जन एग्जाम हॉल में दिखाई दे रहा है। सोच फाउंडेशन में ये हाल है तो इंटर और फाइनल में ये तेज, ये पेस कितना जोर का होगा। कभी कभी ऐसा होता है तुम अकेले 5 जन बैठ के पूरे क्लास में एग्जाम दे रहे हो, चीटिंग करने का स्कोप ही नहीं है, हर जन अलग अलग बैठा है, फिर उसको बोलना पड़ता है सर हम लोग सब एक ही रो में बैठ जाए सर, ये हाँ हाँ मान जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तुम लोग ये तो देख लिया होगा कि ऐसा एग्जाम में चीटिंग करना इज नॉट अ बिग डील, साला लोग पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है चीटिंग। हाँ तो अच्छा ही तो है, तुम लोगों को अपना काम करने दे रहे हैं। ये तो सीएस एग्जाम मैंने दिया है तो मेरे को पता है, फर्स्ट पेपर में 50 जन का 50 बेंच पूरा भरती, फर्स्ट पेपर थोड़ा टेक्निकल आया, सेकंड में 40, सेकंड टेक्निकल आया 20, फिर लास्ट में 10 जन लास्ट एग्जाम दे रहे हैं सब बैठ के, पूरा पूरा खाली, आगे पीछे सब बेंच खाली, आराम से बैठ के एग्जाम दो, पैर वैर फैला के एग्जाम दो। बहुत ही गंदा हालत होता है, बहुत ही गंदा हालत। और ये जो बच्चे हैं ना, इन्हीं को मैं बोलता हूं जिनका लैक ऑफ मैच्योरिटी है एग्जाम को लेके। क्योंकि तुम कुछ भी कर ले, डिजायर्ड नंबर तो तुम्हारा 100 में 100 है, वो तो आएगा नहीं, आएगा तो 70, 60, 50 ही। अब तुम उसके लिए रो रहा है तो होगा नहीं। देखो 100 में 100 लाना, मैं तो बोलता हूं 100 में 90 भी इज इक्वल टू 100 है। अरे यार एक पेपर में 15-20 क्वेश्चन है, वो हर क्वेश्चन में आधा आधा भी काट लेगा तो भी तो यू विल लैंड टू 90, तो 90 आना भी इज इक्वल टू 100 है, बस उसको काटना तो वो औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा मार्क्स काटा है, वो होता है। कोई भी चीज फुल एक्यूरेट नहीं हो सकता। देख सिंपल बताता हूं, मान ले तेरे आगे ये बैठा है, तू इसके पीछे बैठा है, अब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन में
प्रॉफिट लॉस का एक वर्किंग था, तेरे को लगा सिंपल, तू वहां लिख दिया, ये एक्स्ट्रा वर्किंग बना दिया। तो जब आदमी साइकोलॉजिकली पेपर चेक करेगा, इसके पेपर में वर्किंग देखा तो इसको 5 में मान ले 5 दिया, तेरे पेपर में वो वर्किंग नहीं देखा 4.5 दे देगा। तुम भी पेपर चेक करेगा ना, तुम भी ऐसे ही मार्किंग करेगा, यार वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, उसको तो एक एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, अगर उसको इसको एक मिल रहा है तो फिर उसका क्या अच्छा हुआ। समझो बात को, दिस इज हाउ पेपर्स आर चेक्ड, साइकोलॉजिकल है पूरा। तो मतलब इसका पूरा आंसर करेक्ट है तो भी इसको 4.5 मिलेगा, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया था। हम लोग बोलते हैं अगर टॉपर के आसपास कॉपी पड़ जाए ना एग्जाम हॉल, मतलब चेकर के पास, बहुत खराब है। टॉपर के पीछे जितना कॉपी होगा उनका मार्किंग अपने आप एवरेजिंग हो जाएगा, क्योंकि उसको वैसा डिसाइड पेपर दिखेगा ही नहीं, वो सोचेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, कुछ ही नहीं मिल रहा, वो साला सब लिखा है लो कुछ नहीं लिखा। तो अपने आप एवरेजिंग, बेंचमार्क सेटिंग हो जाता है, वो बेंचमार्क सेटिंग ही बहुत खराब है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सर ये तो गलत है ना, सब पेपर तो अलग से चेक हो रहा है, तुम भी करोगे, तुम भी यही करोगे। या तो ह्यूमन हटा दो, एकदम रोबो ले आओ। अब रोबो लाने का क्या प्रॉब्लम है, वो तो लाइन टू लाइन मिलाएगा, उसके तो प्रोग्रामिंग है, वो तुम्हारा मैच होगा नहीं। तो मतलब तुम कोई भी तरीके से करोगे तो एग्जाम की चेकिंग में थोड़ा सब्जेक्टिविटी होगा। तुम दूसरे को छोड़ो ना, तुम जो जो बोलता है उसको बैठा हो ना, बोल चल 5 कॉपी चेक करके दे, तेरे को 5 कॉपी दे रहे बच्चों का, तुम 5 कॉपी में अलग इवैल्यूएशन देखोगे। तो दिस इज ह्यूमन, हम लोगों का ऐसे ही होता है भैया, ऐसा थोड़ी है। लास्ट बैच में जो ये पढ़ाए थे तुमको भी वैसे ही पढ़ाए, तुम लास्ट बैच का इस बैच का वीडियो देखोगे, ज्ञान सेम है, एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग है। थोड़ी हम देख के आ रहे हैं मेरे को ये 5 पॉइंट बोलना है, आज इतना बोल के छोड़ देना है, नहीं। इट इज लाइक बताओ, अगर बच्चे को जल्दी समझ में आ गया ज्यादा कवर कर देंगे, नहीं समझ में आया थोड़ा कम कवरेज होगा, चलेगा देखेंगे। तो बहुत बच्चा लोग क्लास लेने से पहले पूछता है सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, हम बोला जितना दिन तेरा लेने का हिम्मत है उतना देर में हम दे देंगे। हम कैसे बताए सिलेबस कब खत्म होगा, अरे यार एक बच्चा है इसको एक बार में सब समझ में आ रहा है, एक बच्चा इसको 3 बार लग रहा है, अब तुम बोलो हम 3 बार वाले को छोड़ दें कि भाई तेरे को नहीं समझ में आ रहा तू घर पे कर, हम तो एक ही बार बोलेंगे। तो वैसे करने से तुम दुखी हो जाओगे, भैया मेरे को देखते नहीं, और जब 3 बार बोलने लगेंगे तो एक जिसको एक बार में समझ आ रहा वो दुखी हो गया, अरे बार बार काहे बोल रहे, चलिए ना आगे। दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। तेज बच्चे बोल रहे हैं क्यों बार बार बोल रहे हैं, कमजोर बच्चे बोल रहे हैं एक बार और बोल दीजिए, तो एक टीचर कहां रुके, नहीं हो सकता बीच, देयर इज नथिंग कॉल्ड बीच, बीच तो गोवा में है, गोवा वेस्ट में है बट वो बीच पे है। हाँ तो टीचर जैसे पीजे था, पीजे पुअर जोक। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो मेरा सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता मेरे यहां कौन बच्चे बैठने वाले हैं। तुम मेरे से बोलो सर आप एक बार में बोल के सारा कंप्लीट करा दीजिए, देखो हम कितना जल्दी कंप्लीट करा, 3 महीने में सिलेबस खत्म, और फायदा मेरे को ही होगा। 3 महीने का 10,000 लेंगे, यहाँ 6 महीने का 10,000 ले रहे हैं, 4 बैच पढ़ाएंगे, 4 बार कमाएंगे, फायदा मेरे को ही होना है। बट दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस कंप्लीट होने का डेट अगर कहीं डिसाइडेड है ना, मतलब साला वो अपने हिसाब से ही पढ़ा के जाएगा, मेरे को समझ में आया नहीं आया उसको कोई मतलब नहीं है। फाउंडेशन में भी यू फील सेम, हो सकता है कोई चैप्टर जो मेरा 5 क्लास में होता किसी बैच में 8 क्लास लग गया, तो बच्चा भी तो वैसा होना चाहिए ना जो 5 के अंदर ले ले। बच्चा बोल रहा है सर एक बार WDV वापस बोलिए, SLM वापस समझाइए, तो हमको तो बार बार एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। बिकॉज माई टारगेट इज नॉट दी वन हु इज वेरी स्मार्ट, माई टारगेट इज वन हु इज एवरेज एंड बिलो एवरेज, उनको पास कराएंगे ना तब नाम बनेगा। टॉपर क्या हमको पता, उसको साला थोड़ा कम भी पढ़ाएंगे, वो खुद मेहनत करता, वो खुद ले आएगा रैंक, उसको खाली सहारा देना है कि देख ऐसे ऐसे कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी है। बट जो एवरेज और बिलो एवरेज है ना, उसको सहारा नहीं, उसको पूरा ढो के चलना पड़ता है कि चल रे भाई कर ले, थोड़ा और कर ले भाई। दिस इज वेयर मतलब वी आर फेसिंग अ इशू विद द स्टूडेंट जो क्लास 11 12 में अच्छे से पढ़ के नहीं आ रहे, एंड कुछ अभी 2-3 साल ये चलेगा जब तक वो कोविड वाले लॉट खाली होंगे, अभी वो कोविड वाले लॉट चल रहे हैं। इस बैच में भी अभी डेप्रिसिएशन पढ़ाया, पूछा डेप्रिसिएशन 11 में सीख रखा है, बोला नहीं सर कोविड बैच, हम बोला साला अभी तक चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है कोविड बैच, खत्म ही नहीं हो रहा है कोविड बैच, मतलब अभी तक उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब तुम पढ़ के नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज पढ़ाना तो मेरे को तो डबल एफर्ट देना पड़ेगा। थोड़ा समझा हुआ रहता है तो क्या होता है, मैं बोलता हूं तो एक बार में क्लियर, हाँ ये पढ़ा हुआ है, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाइए।
या फिर सब बंद कर लीजिए दिमाग, 3 महीने में सिलेबस खत्म होगा, 5 क्लास डेप्रिसिएशन की होगी, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो घर पे वापस कर लेना। तो देर कैन बी टू पॉलिसीज, नथिंग एल्स। सेकेंड पॉलिसी इज हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स। वहां पे करना शुरू कर देंगे ना, बच्चा फील करेगा कि बस भागा जा रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जिस दिन से वो होना शुरू हो जाता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि साला ये सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट ही बेकार है, भाई सर तो ठीक ही पढ़ा रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने पे शक ज़्यादा होता है जो नॉर्मल बच्चा होता है कि यार सर जब इतना जन को पढ़ा रहे हैं, मेरा दोस्त बोल रहा है समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा, मतलब मेरे में ही खोट है, सर तो ठीक ही होंगे, मेरे में ही सारा खोट है। फिर वो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है क्योंकि तुमको लगता है कि तुमसे ये सब्जेक्ट नहीं होगा, जबकि हो सकता है वो सब्जेक्ट ईजी था, थोड़ा मेहनत करते तो निकल जाता। इंटरेस्ट का बात होता है। बोलिए बेनिफिट्स ऑफ एएस क्लियर है? अब जब बेनिफिट्स है ना, तो कोई भी चीज के कुछ ना कुछ तो अदर साइड भी होंगे, लिमिटेशन भी होंगे। एज सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिमिटेशंस नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए गए वो हमारे बेनिफिट के लिए ही बनाए गए हैं। बट कुछ लर्नेड पीपल बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जैसे क्या क्या ड्रॉबैक्स बोलते हैं? पहला बोलते हैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि हर चीज अगर तुम प्रिस्क्राइब कर दोगे, हमको कुछ और करने का मन हुआ तो कैसे करेंगे? जब अलग अलग कर रहे थे तो प्रॉब्लम था, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रहा है। जब स्टैंडर्डाइजेशन कर दिए तो प्रॉब्लम हो रहा है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं? जब मोटे हैं तो लग रहा है पतला होना, पतले हो गए तो वीक हो गए, तो मतलब साला दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम है। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ बच्चे, कुछ लोग बोलते हैं कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है एएस में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया, अगर हमको कुछ और करना है, और सोचना है, और कोई तरीके से ट्रीटमेंट करना है, तो मेरे लिए वो पॉसिबिलिटी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ, हमको फॉलो करना पड़ेगा लॉ, तो वहां पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, हर जगह हर चीज कवर नहीं होती, सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो जिन ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई एएस नहीं है, जिसके स्कोप में कोई चीज इंक्लूड नहीं होती, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है ये कौन बताएगा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, या फिर डाइवर्सिफाइड कहीं कहीं पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी भी अलाउड है। जैसे मैंने बोला इन्वेंट्री को फीफो से भी वेटेड वैल्यू कर सकते हो और वेटेड एवरेज से भी वैल्यू कर सकते हो, ये डाइवर्सिफाइड ऑप्शन दे दिए तो हमको टेंशन हो रहा है हम कौन सा सेलेक्ट करें, फीफो की वेटेड एवरेज, बेटर होता है एक ही बता देते। साला जब एक बता रहे हैं तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जब एक से ज्यादा दे रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड ट्रीटमेंट, हम कौन सा सेलेक्ट करें, तो मतलब कोई ना कोई तो लिमिटेशन है। हम लोग बोलते हैं ना कमी काटने के लिए बहुत जन है, मतलब तुम कुछ भी कर लो लोगों को लगेगा यार तुम ये कम किए हो, तो वैसे ही टाइप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ भी है। लोग बोलते हैं कुछ कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन पर आप ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये लिमिटेशन है। 3 लिमिटेशन दिया गया, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। अगर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक से ज्यादा ट्रीटमेंट अलाउ किया गया है तो हम कौन सा सेलेक्ट करें, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वही है डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब आपने अगर एक से ज्यादा ट्रीटमेंट दे दिया तो हम कैसे सेलेक्ट करें। तो मतलब कहीं कहीं पर जहां अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक से ज्यादा ट्रीटमेंट अलाउड है वहां पर ये लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, हम कैसे चूज करें, फीफो करें कि वेटेड एवरेज करें। जबकि एएस क्या है ना, कोई भी जब एक से ज्यादा प्रिंसिपल देता है तो आपको समझाता है आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स के बेसिस बता देता है कि आप ये हो तो ऐसा कर लेना, नहीं हो तो ऐसा कर लेना, आपको वो फॉलो करके करना है। बट लोगों को लगता है कि यार ये भी एक प्रॉब्लम है, साला एक से ज्यादा क्यों दिया, एक ही दे देता तो बेटर है, कोई चॉइस ही नहीं रहता, कोई टेंशन ही नहीं रहता, अब हम फीफो करें कि वेटेड एवरेज करें। दूसरा बोला लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजिड हो जाता है, बोलता है ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, हमारे लिए वो प्रॉब्लम है। तीसरा रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। ये 3 लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। वैसे मेरे को नहीं लगता ये लिमिटेशन है, ये होगा ही, आप कुछ भी कर लो, मतलब इससे आप भाग नहीं पाओगे। इंड एएस भी आ गया तो भी तुमको दिखाएगा, हाँ चलो रेस्ट्रिक्टेड स्कोप थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कवर कर दी गई है, बट बाद बाकी पहला 2 प्रॉब्लम दिखाई देगा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगा, ऐसे ही क्यों, हम ऐसा करना चाहे तो, बोला नहीं लॉ यही बोलता है, या फिर अगर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे दिया तो हम ये क्यों करें, हम ये करना चाहेंगे, हम ये क्यों करें, ये करना चाहेंगे, वही भसड़ है। तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहेगा, उसको तो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस में बोलता, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू सर्टेन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स मे ईच हैव आर्ग्यूमेंट्स टू रिकमेंड देम। दोनों का आर्ग्यूमेंट है तुम ये करो या ये करो, देयरफॉर द चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स मे बिकम डिफिकल्ट। दूसरा flexibility lack, there may be a tend towards rigidity and away from flexibility in applying the accounting standards,
रेस्ट्रिक्टेड स्कोप. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैनॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट. जो लॉ में लिखा है वो तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा. द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द प्रिवेलिंग स्टैट्यूट. आप अपने हिसाब से सब कुछ कर, आप उसी स्कोप के अंदर आपको काम करना होगा. और उसमें भी जितने चीजें कवर होनी चाहिए सारी कवर नहीं होंगी, तो जो बची गई उनका क्या करना है वो भी हमको पता. जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सेल्स कब रिकॉर्ड करें वो बताया गया. अब सेल्स करते समय अगर किसी को लॉयल्टी पॉइंट्स ऑफर किया गया है, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, कोई बताया नहीं है, तो कैसे करें. तो ये प्रॉब्लम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कवर्ड नहीं है जिनको कवर करना बाकी है. इनडीएस आने से रेस्ट्रिक्टेड स्कोप थोड़ा कम हुआ है क्योंकि सारी चीजों को कवर किया गया. हाउएवर पहली ट्रू प्रॉब्लम्स तो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जहां पर कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगी आप बोलोगे फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है, जहां पर चॉइस दे देंगे तो आप बोलोगे यार ये कंफ्यूजन है कौन सा यूज करना है. तो मतलब दोनों तो रहेगा ही, उसको कभी खत्म किया नहीं जा सकता. ये मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है. पहले बोलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, ये सबको बात क्लियर हुआ पक्का. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है ये समझने के बाद नेक्स्ट कम्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल है. हम अभी जो बात कर रहे हैं ना वो मैं पूरा एकदम ब्रॉडर एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ इंडिया लेवल पे. इसके बाद हम अपने सिलेबस के स्कोप में आ जाएंगे, तो सिर्फ सिलेबस वाला पार्ट हमको मेन पढ़ना है. इंडिया में अभी मैंने तुमको क्या बोला, बोलो दो टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं. अब इसको समझने के लिए एप्लीकेबिलिटी को मैं सबसे पहले धंधे को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. एक है कॉरपोरेट एंटिटीज, कॉरपोरेट एंटिटीज मतलब कंपनीज, कॉरपोरेट एंटिटीज मतलब कंपनीज. एक होता है नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज मतलब अदर देन कंपनीज. एग्जाम्पल दो, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप एक्सेट्रा. हमको अगर एप्लीकेबिलिटी समझना है तो एप्लीकेबिलिटी के दो पार्ट है, कॉरपोरेट एंटिटी पर क्या क्या अप्लाई होता है, नॉन कॉरपोरेट एंटिटी पर क्या क्या अप्लाई होता है. सबसे पहले एक बेस अगर क्लियर करूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किनको यूज करना चाहिए. लॉ बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन सारी एंटिटीज को फॉलो करना चाहिए जो बिजनेस, कॉमर्स या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं. कोई भी अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर नवीन क्लासेस की बात करूं तो क्या नवीन क्लासेस कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है? बिल्कुल सर, ट्यूशन देके आप ट्यूशन इनकम कमा रहे हो, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नवीन क्लासेस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए व्हेन दे अकाउंट फॉर थिंग्स. वहीं अगर मैं बात करूं एक HDFC बैंक है, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है? इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मान लो एक संस्था है एस्कोन, एस्कोन जानते हो जो कृष्ण जी का वो संस्था बना हुआ है एस्कॉन, जिसमें आप लोग टेंपल वगैरह जाते हो ना, कृष्ण जी के टेंपल्स वगैरह, यहाँ पे अपना बिरला हाई स्कूल के सामने वो है एस्कॉन टेंपल है. ये जो एस्कॉन टेंपल है ये भी एक संस्था है. अब ये संस्था, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है, चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, मतलब इनका काम धंधा करना, ये तो कृष्ण भक्ति में लीन है, ये तो कृष्ण की भक्ति को उजागर करने के लिए, लोगों को कृष्ण के दिए हुए पाठ पढ़ाने के लिए बनाई गई है. बट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर भी पैसे का लेन देन, पैसे का आना जाना रेगुलर बेसिस पे होता है. डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं, उससे पूरी संस्था चलती है, तो संस्था चलाने के लिए खर्चे होते हैं. साथ साथ आप देखोगे ये लोग कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, जैसे गोविंदा रेस्टोरेंट खोल रखा है. हर मंदिर के बाहर एक दुकान होगी जिस दुकान में बुक्स वगैरह मिलेंगी, तो वो भी तो एक कमर्शियल एक्टिविटी है. अगरबत्ती वगैरह बना के बेच रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज तो कर ही रहे हैं. हाँ, इन कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव इनका पता है क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पैसा किसी को बांटना नहीं है, ये पैसा हमको अपने ऑब्जेक्टिव्स में यूज करना है, हमको और अपना काम आगे बढ़ाना है, हमको और गीता छाप के गीता लोगों को बांटना है. आप देखोगे यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोज है जहां पे मॉन्क्स लोग गीता रोड पे बांट रहे हैं, बोले आपको कुछ देना है तो दे दीजिए, नहीं देंगे तो भी चलेगा. ये जो गीता का प्रसार कर रहे हैं, ये एस्कॉन कर रहा है गीता का प्रसार, मतलब जो ये कृष्ण वाले जितने भी कृष्ण भक्ति वाले जितने भी ट्रस्ट है वो ये कर रहे हैं काम. तो ये खर्चा चलाने के लिए, लोगों का सेवा करने के लिए भी तो पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए. तुमको क्या लगता है, क्या इन लोगों को अपने अकाउंटिंग
एएस के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये संस्था भलाई अपना प्रॉफिट कमा के घर पे नहीं ले जा रही हो, बट यहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पैसा लेन देन का एक्टिविटी, अगर अपना अकाउंटिंग करेगा तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। मान लो सर कोई एक ऐसी एंटिटी है जिसमें धंधे का नामो निशान नहीं है, कोई भी तरीके से धंधा नहीं है, 0% धंधा, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं भी फॉलो करेंगे चलेगा। बट अगर आपका एक्टिविटी का 1% भी धंधा है तो आपको धंधे की अकाउंटिंग करने के लिए आपको एएस फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चाहे कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होगी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, उससे कोई फर्क। तो अगर कोई पूछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल है, बोला कोई भी एंटिटी जो कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज करेंगी, दे विल हैव टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबको फॉलो करना है। बट सबको फॉलो करने का एक्सटेंट, लॉ, तरीका अलग अलग है। हम लोग अगर कॉरपोरेट एंटिटीज की बात करें तो कॉरपोरेट एंटिटीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है ना, बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है, इनको मैंडेट कर रखा है कि इनको एएस फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मैंडेट कर रखा है एएस फॉलो करना ही पड़ेगा, तो इन लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। इनके पास चॉइस नहीं है, कंपल्शन है, क्योंकि एक लॉ बोला है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप लॉ को कॉन्ट्रावेन करोगे तो पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट होगी, तो यहां पे भी नहीं करोगे तो पेनल्टी होगा, पनिशमेंट होगा। तो कॉरपोरेट एंटिटीज के लिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट इज अ लॉ, यस और नो? अगर लॉ है तो बताइए कौन बनाता होगा? सर गवर्नमेंट बनाता होगा, पार्लियामेंट बनाता होगा। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज होती है, तो कंपनीज के देखरेख के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सारा देखरेख करता है, सारा रूल्स बनाता है रिलेटेड टू कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट बनाया मतलब ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट इशू कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इशू कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उनके लिए रूल बनवाता है, उन लॉ को उन पर लागू करता है, और लागू करने के बाद देखता है सब फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आप लॉ पढ़ोगे, लॉ के बेसिक समझोगे, तो आप देखोगे गवर्नमेंट भी जो लॉ बनाता और लागू करता है ना, उसके लिए बहुत सारी मशीनरीज है उसके पास। एक लॉ बनाने वाले हैं यानी पार्लियामेंट हो गया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री है जो इंश्योर करती है कि वो लॉ सब लोग फॉलो वगैरह करें, नहीं फॉलो करेगा तो रेगुलेटरी बॉडीज है जो उसको देखेगी, उसके बाद कोर्ट्स वगैरह आते हैं जो डिस्प्यूट होने से उसको सेटल करते हैं। तो पूरा एक मशीनरी है गवर्नमेंट का जिसके बेसिस पे ये लॉ लागू होता है और फॉलो किया जाता है। कॉरपोरेट एंटिटी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है, क्योंकि कौन बोला? कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में एएस बनाने का किसका जिम्मेदारी है? इश्यू करने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट का। फ्रेम वो आईसीआई से कराएगा, आईसीआई भी तो एक गवर्नमेंट बॉडी है, इट इज फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गवर्नमेंट उसको एकदम कंट्रोल करेगी, बट वो एक एक्ट से बनी हुई है, एक्ट के हिसाब से कंट्रोल होती है, बट एक्ट बनता कहाँ है? पार्लियामेंट में, मतलब वो भी कहीं ना कहीं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर है। तो आईसीएआई को ये काम सौंपा गया, तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करो, फ्रेम करने के बाद गवर्नमेंट को दो, गवर्नमेंट उसको देखकर फिर लागू करेगा किस पर? कंपनीज पर। तो कंपनीज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू करने का जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का। इश्यू करने का जिम्मेदारी किसका? गवर्नमेंट का। बट फ्रेम कौन करेगा? हमेशा आईसीएआई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जब कंपनीज के लिए रूल्स बनाए ना, कंपनीज के ऊपर आज के दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो पार्ट में लागू होते हैं, कुछ कंपनीज फॉलो करती है एएस और कुछ कंपनीज फॉलो करती है इंडएस। हम लोगों को ना मेन सबसे पहले सीखना है एएस किन कंपनीज पर लागू होता है, बट जिस तरीके से बात किया गया है ना, समझाने के लिए पहले समझाना पड़ता है इंडएस किन कंपनीज पर है, क्योंकि वो लिमिटेड कंपनीज पर है। अगर इंडएस समझ पे आ गया किस पर कंपनीज पर है, तो उनको छोड़ के बाद बाकी जितनी कंपनीज है उन पर क्या है? एएस है। यानी एएस कौन सी कंपनी फॉलो करेगी, दैट इज अ नेगेटिव डेफिनेशन। जो कंपनीज को इंडएस फॉलो नहीं करना, वो सारी कंपनीज क्या फॉलो करेंगी? एएस फॉलो करेंगी। हम लोग अभी बेसिक समझने के लिए मैंने बोला लिस्टेड कंपनीज क्या फॉलो करेंगी? इंडएस। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या फॉलो करेगी? इंडएस। उनको छोड़ के बाद बाकी जो कंपनीज है वो क्या फॉलो करेंगी? एएस। तो कंपनीज के ऊपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होगा, वो आज के दिन दो पैरेलल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, एएस और इंडएस। इंडएस हो गया फॉर बिग कंपनीज, एएस हो गया फॉर अदर कंपनीज। अदर कंपनीज, मैं ये नहीं बोलूंगा स्मॉल कंपनीज, फिर ना तुम कंपनीज एक्ट के स्मॉल कंपनी को बीच में ले आओगे।
मैं ये बोलूंगा अदर कंपनी, जो इंडियंस जो नहीं जा रहा है वो सारी को क्या फॉलो करना पड़ेगा, एएस फॉलो करना पड़ेगा। अदर देन कॉरपोरेट एंटिटीज यानी नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक एक्ट लागू होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जानते हैं आप लोग 1932, आप लोग जानते हैं ये एक्ट पढ़ा हुआ है। कहीं पर भी पार्टनरशिप एक्ट में सर ने तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जिक्र किया था? नहीं किया था। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म को आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। कहीं पर भी प्रोप्राइटरशिप के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अब सर इनके ऊपर अगर लॉ नहीं है तो ये क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, उसी के हिसाब से सबको अकाउंटिंग करनी चाहिए। इनके ऊपर ना गवर्नमेंट कोई रूल नहीं बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या फॉलो करना होगा, बट इनके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना पड़ता है वो कौन इशू करता है पता है? आईसीएआई। आईसीएआई ने बोल रखा है कि जो भी नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज होगी उनको भी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। अब एक आदमी खड़ा हो गया, फॉर एग्जाम्पल नवीन क्लासेस खड़ा हो गया, आईसीआई होता कौन है, होता कौन है? क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो पार्लियामेंट है? जब वो गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट नहीं, उसका बात हम क्यों सुनेंगे? हाँ या ना? अगर पार्लियामेंट बोल दिया तो हम तुम या कोई भी हो इंडिया में है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में मर्डर करना जुर्म है तो सबके लिए जो इंडिया में खड़ा है सबके लिए जुर्म है, हम तुम कोई उसमें अलग, क्योंकि वो लॉ बना हुआ है। बट आईसीआई की बोली हुई बात लॉ का पार्ट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ना आईसीआई तुम बोलो ना बोलो हम तो नहीं करेंगे, मेरे ऊपर कोई लॉ बना हुआ। तो आईसीएआई पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म को डायरेक्टली नहीं बोलता तुमको करना है, बट क्या होता है आईसीएआई के जो मेंबर्स होते हैं ना, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म धंधा करते हैं ना, उनको हमारी कहीं ना कहीं सर्विस की दरकार पड़ती है। आईसीएआई ने उनको कुछ नहीं बोल रखा है, बट हमको बोल रखा है किसी भी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म को अपनी सर्विस दोगे, इंश्योर कर लेना कि उनके अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा ही बने होने चाहिए। मतलब एक इनडायरेक्ट तुम समझ लो, वो तुमको बोल रहा है तुमको फॉलो करवाएगा। वो डायरेक्टली नहीं बोला कि आपको करना ही पड़ेगा, बट इनडायरेक्टली आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां आप सीए की सर्विस यूज करोगे सीए को तो बोला गया, अकाउंटिंग जब भी होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होगा, ऑडिटिंग जब भी होगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे होगा, सीए वहां से डाइवर्ट नहीं कर सकता, तो बेचारा अगर सीए अपना सर्विस देगा तो उसको फॉलो करवाना ही पड़ेगा। सर सीए का सर्विस आप लोग को क्यों दरकार पड़ता है? हमारे बहुत सारे ना फॉर्म्स वगैरह गवर्नमेंट के साथ जमा होते हैं अंडर वेरियस एक्ट्स, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारी एक टैक्स ऑडिट होती है। क्या होती है? टैक्स ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो टैक्स ऑडिट करता है और वो टैक्स ऑडिट की साइनिंग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। अब वो टैक्स ऑडिट अगर कर रहा है तो उसको तुम्हारे अकाउंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट से ही फिगर्स टैक्स में आएंगे। वो इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अकाउंट्स किसके हिसाब से बने होने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने होने चाहिए। यानी इनडायरेक्टली जब भी आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस यूज करोगे, उससे कोई भी ऑडिट वगैरह का काम करवाओगे, तो वो इंश्योर करेगा कि अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। यानी मेरे ऊपर कहीं तलवार नहीं लटका हुआ है एएस फॉलो करना है, बट मैं करता हूं क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस यूज करता हूं और वो बोलता है अकाउंटिंग हो तो एएस के हिसाब से करना। बट तेरे को पता है जितना कंपनी पर तलवार लटका हुआ है ना उतना मेरे पर नहीं है। यानी कुछ कुछ जगह पर हम अगर एएस फॉलो नहीं भी करते अपने हिसाब से कर देते हैं ना, कोई मेरे को मना नहीं करता है। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स कलेक्शन से मतलब है, टैक्स हम बहुत जोर का भरते हैं तो उसको मेरे से कोई प्रॉब्लम, उसके बाद मेरा कोई स्टेक होल्डर बचा नहीं, सिर्फ मोदी जी मेरे स्टेक होल्डर है, बाद बाकी मेरे मम्मी पापा और हम लोग खुद है, हम नवनीत भैया हमारी फैमिली और हमारा कोई स्टेक होल्डर ही नहीं है। सर हम लोग फाइनेंस वाइज कैसे स्टेक होल्डर हो? देना है लेना तो ज्ञान ही है, ऐसा थोड़ी अविनाश भी है ज्यादा कमाएंगे तो पढ़ने जाएंगे। इट इज लाइक तुमको मेरे से पढ़ना है, तुमको मेरा ज्ञान चाहिए तो तुमने फीस भरी ज्ञान लेने के लिए। क्या तुमको ये जरूरी है? अविनाश भी अपना पीएल दिखाइए तो एक बार, अविनाश भी बैलेंस शीट दिखाइए तो देखे नवीन क्लासेस का क्या हाल है। नहीं नहीं जरूरी है। हमने कोई बैंक से लोन ले नहीं रखा है, हमारे कोई क्रेडिट व्रेडिट किसी से है नहीं, हम टाइम टू टाइम सबको चुका देते हैं। तो जब मेरा कोई स्टेक होल्डर ही नहीं है तो क्या मेरे को इतना भसड़ मचाने का जरूरत है? हमको तो सिर्फ अपने लिए चाहिए ना, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट भी करते हैं ना, हमको कोई आके बंदूक लगा के नहीं बोलता तुम गलती की है, हम बोला जो इच्छा वो करेंगे। अपने को समझ में आना चाहिए क्योंकि स्टेक होल्डर कौन है? हमें। तो बहुत बार ऐसा होता है हम लोग अक्रूवल की जगह कैश बेसिस पे फीस इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमको कोई मना करता है क्या? नहीं।
कंपनी का कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ अक्रूअल बेसिस इज अ मस्ट, पार्टनरशिप में कहीं नहीं लिखा हुआ अक्रूअल बेसिस इज अ मस्ट। तो मस्ट नहीं है तो हम क्यों फॉलो करें, जो हमारा इच्छा वो करेंगे। सर आपको एकदम डर नहीं लगता? नहीं, काहे का डर? क्योंकि मेरे ऊपर कोई लॉ नहीं है। लॉ होने से तो एल लगता, जब लॉ ही नहीं है तो एल भी नहीं लग रहा, एल भी नहीं लग रहा तो जो मन वो करेंगे। लॉ होने से लंबा लगता, लंबा नहीं लग रहा है तो डर नहीं है, डर नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। क्या तुम लोग क्या कौन खत्म है? वैसे आजकल रितेश हम लोग के साथ नहीं घूम रहे, हम देख रहे हैं है? हम छोड़ छोड़ हम अभी बात नहीं करेंगे उस सब के बारे में। कहाँ है? रो फिर रो रहा है। पानी पानी दे इसको, पानी दे इसको। चलो डन, छोड़ो छोड़ो हमको ये सब कुछ बात नहीं करना। बट दोनों साथ में फिर बैठा कैसे है? हम तो उसको दूर दो कदम दूर भेज, जा बस साला उधर बैठ। म्यूचुअल अग्रीमेंट, ये तो भाई अंडरस्टैंडिंग है भाई, ये दोस्ती है भाई। छोड़ो तुम लोगों को कभी इन लोग का स्टोरी बताएंगे। बट रितेश को हम देखा, आजकल लड़का लोग के साथ नहीं दिखता। छोड़ो यार फिर क्या बोले, इसीलिए क्रिकेट का प्रोग्राम बन नहीं रहा, इसके कारण ही, इसके कारण ही नहीं बन रहा है। ऐड किए थे हम लोग, वापस ऐड किए थे, निकाल दिया वापस। हाँ तो निकाल इसी, इसके कारण हम लोग का क्रिकेट का प्लान अटका हुआ है। अभी बीवी मायके गई हुई है, बना लो यार क्रिकेट का प्लान भाई, फिर आ जाएगी तो नहीं होगा यार। तुम लोग समझो किसी का प्रॉब्लम यार। अरे रितेश की मेरी अभी तुम उतना ओधा दे दिया भाई, अभी वो तेरी भाभी बनी है, उसकी बनने में टाइम अभी। छे वो बोलता है, अरे रितेश की नहीं मेरी वाली मायके गई हुई है। हम तो बोल रहे बनाओ, बच्चा खाली खाएगा, पहले मेहनत कर फिर खाएगा। वो हावड़ा वाला टफ में रखो जिसके पीछे मैगी मिलता है, हावड़ा में एक टर्फ है जिसके पीछे मैगी का दुकान है, अच्छा वही वाला जो लास्ट गए थे उसमें रख लो, हम रेडी है। हाँ कौन सा मैगी? मैगी कितना टाइप का होता है? आटा एक, वो तो सब अपने टेस्ट और स्टैमिना के हिसाब से ले। चलो इधर, क्या बकवास कर रहा है वो नवनीत भैया, जाने हम नहीं जानता। हम गलत बात ना करते हैं ना जानते हैं, नवनीत जो बोल रहा है वो नवनीत तक सीमित रहता है। हाँ वो क्या करता है, जैसे होता है ना किसी किसी को अपना प्रॉब्लम दूसरे के हिसाब से बोलता है, यार इसको ये हो गया, हो उसको रहा है, जैसे कालीन भैया वाला प्रॉब्लम है ना, वो वैसा ही वैसे टाइप का बात है बस। और पार्टनरशिप है तो दोनों का ही हो, म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी तो यार शादी पहले उसका हुआ था, एक ही मंडप में। चलो ठीक है इधर आओ तुम लोग, गंदा बात करते हैं। तो जो क्या बोलेंगे, और हम जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के कौन लागू करता है? आईसीआई। बट सुन फिर बोल रहा हूं, आईसीआई कोई चीज बनाया तो वो लॉ नहीं है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन है कि भैया आपको अपनी अकाउंटिंग ऐसे करनी चाहिए ताकि लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो सही सही इंफॉर्मेशन मिले। उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये बोल रखा है कि कहीं पर भी सर्विस दोगे ऑडिट किए अकाउंट्स की, तुमको ध्यान रखना होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर ना
सिर्फ एएस लागू होता है। क्या लागू होता है? क्योंकि इंड एएस जो लाया गया वो सिर्फ किसके लिए लाया गया? कॉरपोरेट एंटिटीज। यानी तुम बोलोगे सर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा धंधा कर रहा है, तो उसको इंड एएस फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म विल ऑलवेज हैव टू फॉलो क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो एएस इंड एएस का झमेला है ना वो सिर्फ एक ही जगह पर है, कॉरपोरेट एंटिटी। कॉरपोरेट एंटिटी को छोड़ के नॉन कॉरपोरेट एंटिटी में इंड एएस आएगा ही नहीं, वहां पर सिर्फ क्या आएगा? यानी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा, एलएलपी वगैरह, ये लोग हमेशा क्या फॉलो करेंगे? एएस फॉलो करेंगे, इनको इंड एएस फॉलो करने का दरकार नहीं है। तो हम लोग जो एएस पढ़ रहे हैं ना, एएस कॉरपोरेट एंटिटीज पर भी लागू होते हैं और नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज पर भी लागू होते हैं। कॉरपोरेट एंटिटीज के लिए एएस बनाने और इश्यू करने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बनाएगा एएस भी, बट वो सब करने का जिम्मेदारी किसका है? जिम्मेदारी बोल रहे हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसमें आईसीआई की सर्विसेज यूज कर लेता है। और नॉन कॉरपोरेट एंटिटी में लागू करने की जिम्मेदारी आईसीएआई। आईसीएआई का मैंने जैसे तुमको बताया एक बोर्ड है, बोलो नाम क्या है? एएसबी। गवर्नमेंट का एक बॉडी बनाया गया फॉर कॉरपोरेट एंटिटीज, नाफ्रा। नाफ्रा का फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये नाफ्रा बनाया गया। जब भी आईसीएआई कोई कॉरपोरेट एंटिटीज के लिए एएस डेवलप करेगा उसको कंटिन्यूअसली नाफ्रा के साथ बात शेयर करते रहना पड़ेगा। नाफ्रा जो भी गाइडलाइन डायरेक्शन देगा उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिर ये नाफ्रा बोलेगा हाँ अब ठीक है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल है तुम मेरे को दे दो। नाफ्रा फिर एमसीए को देगा और एमसीए फिर क्या करेगा? रूल्स में बनाएगा और उस रूल्स को लागू कर देगा कॉरपोरेट एंटिटीज पर। तो दो बॉडीज एएस बनाने में साइमल्टेनियसली काम करती है, एक तो आईसीआई का एएसबी जिसका काम है फ्रेमिंग, बट वो फ्रेमिंग सही से हो रहा है कि नहीं वो कौन देख रेख करेगा? नाफ्रा। और वो नाफ्रा फ्रेमिंग होने के बाद फिर गवर्नमेंट को देगा जो गवर्नमेंट कॉरपोरेट एंटिटीज पर लागू करेगा। अब ये छोटे छोटे वर्ड्स मालूम होने चाहिए। एएसबी स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, नाफ्रा स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये वैसे ये वर्ड जो नाफ्रा है ना ये आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, सेक्शन 132 आएगा जहां नाफ्रा के बारे में आप पूरा पढ़ाई करेंगे, नाफ्रा क्या होता है वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज देयर इन सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट। इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई किया गया ऑन कॉरपोरेट एंड नॉन कॉरपोरेट एंटिटी। तेरे से पूछ रहा हूं कुछ क्वेश्चन बताना। नंबर वन, कॉरपोरेट एंटिटीज को एएस फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी या वॉल्यूंटरी? मैंडेटरी। कौन बोला? कंपनीज एक्ट बोला। कॉरपोरेट एंटिटीज के ऊपर एएस इश्यू कौन करता है? गवर्नमेंट, अंडर दी लॉ। कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट 2013। नॉन कॉरपोरेट एंटिटी को एएस जो फॉलो करना है वो इश्यू कौन करेगा? आईसीएआई। नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज पर कोई लॉ नहीं है जो बोलता है कि आपको एएस फॉलो करना ही पड़ेगा। खाली आईसीआई अपने मेंबर्स को बोल रखा है कि तुम जब भी सर्विस दोगे तो तुमको एएस फॉलो करना का इंश्योर करना पड़ेगा। कॉरपोरेट एंटिटी के लिए जो फॉर्म होगा, एएस जो बनेगा, फ्रेमिंग करता है आईसीआई का एएसबी, बट उस फ्रेमिंग में साथ साथ कौन रहता है? नाफ्रा, जो ये देखते रहता है प्रॉपरली सब कुछ हो रहा है कि नहीं। होने के बाद नाफ्रा एमसीए को देता है और एमसीए फिर उसको रूल का पार्ट बना के लागू करवाता है। लागू करवाने के बाद फिर वो नाफ्रा को ही बोलता है तुम देखते रहो सब लोग फॉलो कर रहा है कि, यानी बनवाने का जिम्मेदारी नाफ्रा का। बनवाने के बाद लागू हो गया तो लागू सही से हुआ कि नहीं, लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं, ये सब कौन देखेगा? नाफ्रा। और यही नाफ्रा अभी जो एंटिटी है बहुत सुर्खियों में है क्योंकि ये सीए लोग के पीछे पड़ा है। अभी तुम सुनोगे नाफ्रा ने दो सीए का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, नाफ्रा ने कंप्लेन कर दी सीए के बारे में आईसीआई को। ये नाफ्रा अभी यही इंश्योर कर रहा है कि जो भी हमारे कंट्री में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह कर रही है कंपनीज वो प्रॉपरली होनी चाहिए, वहाँ चोरी चकारी फाइनेंशियल स्कैम्स अकाउंटिंग स्कैम को रोकने के लिए नाफ्रा जैसी एजेंसी बनाई गई कि सही रूल्स बने, वो रूल्स सारे लोग फॉलो करें, रूल्स टाइम टू टाइम अमेंड हो, ये सारा चीज इंश्योर कौन करेगा? नाफ्रा इंश्योर करेगा। और इसको लगा दिया आईसीआई के पीछे कि भाई लग जा, ये अगर कोई भी इधर उधर का काम करे ना सीए का, पकड़ के हमको बताना, उनका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। और अभी रिसेंट में ऐसी न्यूजेस है जहां पे सीएस के मेंबरशिप कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ कंप्लेन बाय नाफ्रा टू आईसीआई। सीए के बिना कोई भी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग स्कैम नहीं हो सकता। सीए के बिना कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कैम होना पॉसिबल नहीं है। यानी स्कैम होगा तो वहां पर सीए इन्वॉल्व होगा ही, उसके बिना वो करना पॉसिबल नहीं है।
ये जो सत्यम वगैरह हुआ, तुमको क्या लगता है जो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे थे उनको पता नहीं था? सब पता था। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर से, बेसिक ऑडिटिंग प्रोसीजर से आप फ्रॉड को ऐसे ही निकाल सकते हो बहुत सारे। मतलब तो उसका बैंक बैंक में जो एफडी था, वो एफडी का जो रिसीट था वो भी नकली था। खाली प्रिंट ही तो करवाना है, एक डिज़ाइनर से डिज़ाइन बनाया, प्रिंट कराया, ठप्पा लगाया बैंक का स्टैम्प का, हो गया एफडी। तो एफडी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट बैंक के पास वो बैलेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये तो तुम बैंक से जाके मांग सकते हो। बैंक से तो एक स्टेटमेंट निकलवाना है कि बताइए इस एफडी का आज के दिन क्या बैलेंस है। नहीं निकलवाया, ऐसा थोड़ी हम कर नहीं सकते। कैश बैलेंस बोल रहा है जबकि कैश बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या वो कैश की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बट वो इन्वॉल्व थे। इसीलिए जब रामालिंगम राजू जो सीईओ था, जो चेयरमैन था, उसको सजा हुआ, उसके साथ साथ जो सीए उसका ऑडिट के लिए प्राइमरीली इन्वॉल्व था उनको भी जेल हुआ। उन दोनों सीए का कैंसिल कर दिया गया मेंबरशिप, दे आर नो मोर सीएस। और अब ये नाफरा बन गया तो और पीछे पड़ गया कि सीए लोग का क्वालिटी ऑफ सर्विस देखते रहो, जहां सीए इन्वॉल्व हो वहीं बताओ और उनका कैंसिल कर दो मेंबरशिप। बिना सीए के कोई स्कैम नहीं हो सकता। मतलब तुम लोगों को पढ़ने के बाद थोड़ा अगर पॉलिश हो जाओगे ना इंडस्ट्री के अंदर, फिर तुम इंडस्ट्री का इन एंड आउट रेगुलेट कर सकते हो। तुमको पता है कहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे जो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो किसी क्लाइंट का, तो क्लाइंट का काम करते हैं तो सारा ही डिटेल उनके पास है, क्या कहाँ है, क्या नहीं, किसको कैसे घुमाया, किसको कैसे नहीं। फिर अगर आप बोलते हो ना हम काम नहीं करेंगे, मान लो हमने उसको सीए को बोला आप तुमसे काम नहीं कराएंगे, हम चेंज करेंगे, वो फिर बोलता है ठीक है मेरे पास ये डिटेल है, हम इनकम टैक्स को देने जा रहे हैं। एंड दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट फेक, दिस इज ट्रू। मतलब तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिए हो। सर तो क्या अपना रेवेन्यू नहीं बचाएंगे? सारा तुम्हारा क्वालिटी और सर्विस अच्छा नहीं, वो चेंज करना चाहता है, तुम रेवेन्यू बचाने में लगोगे? ऐसा सीए का तो कंप्लेन होना ही चाहिए। बट कोई कंप्लेन डर से नहीं करता, क्योंकि वो भी तो कर रखा है ना खेला। मतलब इतना पावर है सीए के पास। बट तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 3-4 साल का पॉलिश्ड एक्सपीरियंस तुमको उस लेवल पे लेके चला जाता है। और ये कोई छोटा बात नहीं है, तुम कंपनी के सीईओ की लेवल पर सोच सकते हो। बस तुम क्या है, तुम 10 कंपनियों का काम कर रहे हो इसीलिए तुम एक पे बैठ के दिमाग नहीं लगाते हो। बट तुम एक पे बैठ के दिमाग लगाओगे तो तुम उस सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। मैक्सिमम सीईओ सीएफओज वगैरह जितने भी रैंक्स के आदमी होते हैं ना, आप देखोगे वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे मिलेंगे आपको, ओनली बिकॉज ऑफ दी लेवल ऑफ नॉलेज वी आर गेटिंग एंड द डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट वी आर एक्सपोज टू। कोई भी पढ़ाई कर ले इसको छोड़ के, तेरे को इतने सब्जेक्ट्स कहीं नहीं पढ़ाए जाते। अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉ, टैक्स, FM, ऑडिट, SM, फिर बाद में जाओगे एडवांस सब आ जाएगा। ये इतने टॉपिक्स कहीं नहीं पढ़ाए जाते। बहुत सारे और भी कोर्सेज है कॉमर्स में, हर चीज डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। CA का कोई डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बोला सब पढ़ो जो धंधे में होता है ताकि धंधा चला सको। फिर तुमको धंधे में ही तो जाना है लास्ट में, चाहे तुम प्रैक्टिस भी करो तो भी तो तुम धंधा ही संभाल रहे हो, अपना नहीं तो किसी और का। इस सब चीज के लिए नाफरा को बनाया गया। नाफरा ये सब चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है कि ये सब चीजें अब ना हो, इसके लिए नाफरा बनाया गया। और उसको काफी पावर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग पावर की ये कंप्लेन रेज कर सकता है ICI को अगेंस्ट CAs। तो अब धीरे धीरे जो समय आ रहा है ना, अपने बोलते ना ये जो अभी गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्टनेस है। पहले जो भी जो कुछ कर लेते थे ना, अब नहीं कर सकते। अब तुम पापा लोग से भी पूछोगे, पापा पहले आप लोग इतना इजीली कैश वैश कमा लेते थे, अब करना आसान है क्या? बोलेंगे नहीं, अब रात का चैन चाहिए तो कैश छोड़ दो, जो करना है बैंक से करो। बहुत लोग तो मतलब छोड़ दिए, जो करोड़ों रुपए इधर उधर करते थे वो सब छोड़ दिए, बोले नहीं रात का नींद सही से आना चाहिए, नहीं तो सुबह सुबह उठेंगे और इनकम टैक्स वाला घर पे होगा। और इतना ये गवर्नमेंट, सबसे बढ़िया काम जो गवर्नमेंट किया है वो है टेक्नोलॉजी। हर चीज इतना इंटीग्रेटेडली लिंक्ड है ना, तुम कोई GST की चोरी करोगे तो इनकम टैक्स में फंस जाओगे, इनकम टैक्स में चोरी करोगे GST में फंस जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा वो भेद वो गवर्नमेंट का सिस्टम खोल देगा। तुम इधर GST में रिटर्न लगा रहे हो तो हर महीने सेल बता रहे हो, इनकम टैक्स में सेल छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कम करने की तो कर ही नहीं सकते। साला उधर का सेल फिगर इधर का सेल फिगर मैच होगा, चोर कम करेगा कहां से तू? तो अभी क्या करता था, महीने की सेल दिखानी पड़ती है तो एक बार महीने की सेल हो गया, पैसा कर लिए, फिर इन्वॉइस नया काट दिए, अब ला दिया ये इन्वॉइस है,
कोई भी इन्वॉइस कटेगा ऑनलाइन ही कटेगा, गवर्नमेंट के पोर्टल में हर इन्वॉइस का डिटेल जाएगा। तो साला एक बार इन्वॉइस बन गया फिर चेंज कहां से होगा, मतलब इतना तुमको रेस्ट्रिक्ट कर देगा ना, तुम चोरी सोच के भी नहीं कर सकते, सोच के भी नहीं कर सकते। अभी जीएसटी में केसेस खुल रहे हैं पुराने पुराने, जिन्होंने गलत इनपुट टैक्स वगैरह दे रखा है सब खोल रहा है, और जो जीएसटी जो बेचा और जो खरीदा दोनों का टैक्स कैंसिल, मतलब जो गवर्नमेंट को मिल गया मिल गया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तुम भी दो तुम भी दो, अलग तरीके से कर रहा है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्यों बोला इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लिबरल बिजनेस किए हुए हैं, जो चीज जैसे भी लिख देना दिखा देना, अब नहीं चलेगा। तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा काम, तुम्हारा स्कोप बहुत बढ़ गया है जीएसटी वगैरह लॉज आने से। मतलब आज के दिन कोई भी सीए अगर सच में वो एक बार पढ़ के सीए बना है, तुम कुछ नहीं तो कुछ, तुम अपना घर आराम से चला सकते हो। लोग बोलते हैं जॉब में जाएंगे, क्योंकि जॉब में क्या होता है ना, अलग तरह के मजे, अलग तरह की कॉर्पोरेट जिंदगी होती है जो लोगों को फैसिनेट करती है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आज अगर प्रैक्टिस खोल के बैठे ना, पहला 3 साल टफ है, वैसे तो कोई भी धंधा करेंगे पहला 3 साल तो सेटअप लगेगा ही, टाइम लगता है, जेस्टेशन बोलते हैं। हम क्या पढ़ाने बैठे तो पहला दिन से ही बच्चा आ गया क्या? 3 साल तो पहले अपने आप को उस लेवल पे बनाना पड़ेगा, तब ना बच्चा आएगा। 3 साल अगर कोई खट लेता है, 4th साल से मेरे को लगता है 50 लाख से 70-80 लाख रुपया साल का आराम से अर्न किया जा सकता है, और करोड़ रुपया भी हो सकता है अगर तुम शार्प हो, तुम्हारे पास काम करने का कैपेबिलिटी है। तो लोग कमा रहे हैं, तुम पूछोगे कोई भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे 3-4 साल से कर रहे हैं, तुम बोलोगे वो कमा रहा है सर, भैया लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, पहले क्या थे अब क्या बन गए हैं, ये तुमको ग्रेजुअल चेंज 3-4 साल में दिखने लग गया। तो कुछ लोगों के मन में शंका होती है सर सीए करें कि नहीं करें, बहुत लोग बोल रहे हैं इतना जन कर रहा है करके क्या करेगा, अबे तेरी डिमांड है अभी इसीलिए लोग कर रहे हैं। तुम अगर पूछेगा ना हर कंपनी में अब बिना बिना सीए के तो कंपनी चल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना कंप्लायंसेस है, एक छूटता है ना लाखों रुपए का पेनल्टी लगता है। तुम एक फॉर्म गलत फाइल कर दिए उसको रीफाइल करोगे, पेनल्टी होता है 100 रुपीज़ पर डे। मान ले तेरे को 3 महीने बाद पता चला गलती हो गया, 3 महीने में 90 डेज 100 रुपीज़ पर डे, मतलब 9,000 का पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो अगर सीए से भरवाते टाइम से 2,000 में भर देता तो 2,000 में काम हो जाता, बचाने के चक्कर में गलत लगा है 9,000 का पेनल्टी। बट अच्छे होने चाहिए, अच्छे लोग अगर जाएंगे प्रोफेशन में बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी का बेसिक समझ में आया, किस पर कौन अप्लाई कैसे करेगा, अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोले टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो क्या सर कॉरपोरेट एंटिटी पर सारे लागू होंगे या किसी को कुछ रियायत दी गई, नॉन कॉरपोरेट एंटिटी पर सारे लागू होंगे या कुछ रियायत दी गई, उस पर जाना पड़ेगा, वो एप्लीकेबिलिटी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, यहीं तक ठीक है, आज यहीं तक रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। जब तक बुक नहीं आती है ना, मैं जितना जितना पढ़ाऊंगा उतना पीडीएफ एक बार ग्रुप में डाल दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास खाली देख के आ जाना, जब बुक आ जाएगी नेक्स्ट वीक तो अपने पास रहेगा सब कुछ। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सर ब्लैक मनी कैसे रखेंगे, अब सर ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, डिजिटल करेंसी वरेंसी आ रहा है, सब भूल जाओ। एक मिनट।